students, namaste, good morning, good afternoon, good evening to everybody in India. I'm Chartered Accountant Anuj Jalota. We are going to be learning Paper 5, Strategic Cost Management and Performance Evaluation. This ko aap log shayad pyar se costing bhi bolte the, and under the new course uska naam Advanced Management Accounts tha. Two things, one about me, one about the paper. I became Chartered Accountant in the year 2002. Was All India Rank Holder in CA Final, All India Rank Holder in CA Foundation. Also was a ranker in Mumbai University in TWBCOM. Since 2002, I've almost taught every subject in CA Final, costing being the main of them. CA Final in costing in Mumbai, most of the people in Mumbai, they all come to us for their costing paper. The reason is the amount of content that we all do. हम लोग क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ ICA के वो नहीं देते CI में जो लंदन का इंस्टीट्यूट है वी पिक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर आल्सो CM में जो US का इंस्टीट्यूट है वी पिक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर आल्सो तो व्हाटएवर कैन एवर बी आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट जो पूछ चुके हैं जो पूछ सकते हैं जो फ्यूचर के अंदर भी उनके दिमाग में वो आ सकता है वी ट्राई टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग फुल्ली इन डेप्थ कुछ भी ऐसा हम लोग लूज एंड वो नहीं छोड़ते वेयर बाय दे कैन आस्क अस क्वेश्चंस एंड वी ऑल हैव नॉट डन माना लास्ट 5 years इफ यू विल सी ऑल इंडिया सेकेंड रैंक थर्ड रैंक फोर्थ रैंक ऑल ऑफ देम उनके अंदर एक चीज वो कॉमन थी मोस्ट ऑफ देम स्कोर्ड अबव 80 एंड अबव 85 ऑलमोस्ट इन कॉस्टिंग तो अगर आपको एक पेपर ऐसा चाहिए वेयर बाय यू कैन रिलाई कि मेरे को 80 या 85 वो मिल जाएगा आई बी एबल टू गेट अ एग्जेम्पशन एंड शायद ड्यू टू दिस पेपर आई बी एबल टू गेट अ रैंक ऑल्सो सो पेपर 5 कॉस्टिंग शुड बी वन अमंग देम क्योंकि ये बिजनेस है सो बिजनेस शायद कोई रूल से रन नहीं होता इट इज कॉमन सेंस यू नो हम लोग हमेशा बिजनेस के लिए एक चीज वो बोलते हैं ओनली थिंग दैट इज सर्टन इन बिजनेस इज अनसर्टेनिटी आपका रोज का दिन अलग होता है आपकी रोज की सिचुएशंस अलग होती हैं हर चीज अलग ही होता है एवरी सिंगल डे ऑफ योर बिजनेस थिंग क्या है धीरे 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 एक्सपीरियंस स्टार्ट्स टू मेक दोस अनसर्टेनिटीज स्लाइटली मोर सर्टन ये चीज आपके साथ कॉस्टिंग पेपर के अंदर भी होगा धीरे 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 जब आप लोग क्वेश्चंस वगैरह वो करते रहेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा विद दैट कॉन्फिडेंस यू विल बी एबल टू अप्रोच योर पेपर्स फास्ट लेकिन अनलाइक अदर पेपर शायद यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होंगे कोई फॉर्मूलाज नहीं होंगे क्योंकि बिजनेस इज नॉट रन बाय फॉर्मूलाज राइट फॉर्मूला उन चीजों के लिए काम में आता है जो चीजें स्टैटिक रहती हैं जो चीजें सेम रहती हैं लेकिन बिजनेस के अंदर एनवायरमेंट से बदलते रहते हैं तो आपके कोई दो क्वेश्चन सेम नहीं होंगे कोई दो क्वेश्चन के आंसर सेम तरीके से नहीं आएंगे हर क्वेश्चन अलग है तो ऐसी चीज को केटर करने के लिए ऐसे पेपर को केटर वो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं हर एक क्वेश्चन पहले मैं पढ़ता हूं देन आई गिव यू टू ट्राई विद अ सर्टेन काइंड ऑफ अ टाइमर कि आप इतने टाइम के अंदर ही खत्म कीजिए तो आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे इन रफ फर्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया रफ के अंदर उसके बाद अगर आंसर आ गया विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम दैट इज वेरी गुड अगर नहीं आया तो इन एनी केस आई प्रेजेंट द फुल फ्लेज आंसर्स ऐसा करते 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 योर स्पीड विल स्टार्ट टू राइज कॉन्फिडेंस विल स्टार्ट टू राइज सो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आप ही को सॉल्व करने हैं फर्स्ट थ्री लेक्चर्स माइंड यू फर्स्ट थ्री लेक्चर्स तुम्हारे ऐसे जाएंगे जहां पे तुमको वो लगेगा कि हमारा स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन अगर फर्स्ट थ्री लेक्चर्स के अंदर यू कैन कोप अप विद माई स्पीड यू आर अ जीनियस इफ यू कैन नॉट कोप अप यू आर नॉर्मल बस आफ्टर थ्री लेक्चर्स आपका और मेरा जो स्पीड है विल स्टार्ट टू कोइंसाइड विद ईच अदर वो सेम हो ही जाएगा लेकिन मेरे को वैसा स्पीड चाहिए क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ये एक पेपर है जो बहुत लोग का खत्म नहीं होता मेरे को चाहिए कि आपका पेपर खत्म हो सो योर थिंकिंग हैज टू बी फास्ट योर राइटिंग हैज टू बी फास्ट सो हर एक क्वेश्चन हम लोग यही वाला चीज ट्राई करने वाले हैं तो व्हेन यू कम फॉर कॉस्टिंग पेपर फ्यू थिंग्स कीप इन योर माइंड कि आपको रोज बहुत मेहनत करनी है सेकेंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क सेक्शन के लिए हैं हर लेक्चर के एंड में आपका होमवर्क सेक्शन का काम आएगा आप इंश्योर कीजिएगा जिस दिन का होमवर्क है उसी दिन आप लोग उसका जो होमवर्क है वो कर लें होमवर्क सेक्शन के अंदर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डाले हैं तो अगर आप क्लास वर्क के क्वेश्चंस वो करेंगे थोड़ा सा उससे एक पॉइंट कम लेवल शायद आपके होमवर्क सेक्शंस का होगा लेकिन दैट विल गिव यू अ गुड कॉन्फिडेंस दैट हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस इवन व्हेन आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट इनसाइड द क्लास तो इंश्योर कीजिएगा आपको करें एक थियरी बुक आपको तो वो मिलेगा फ्रॉम देयर यू कैन प्रैक्टिस द थियरी
although ज़्यादातर theory जो भी class का है वो हमारे questions के अंदर भी cover up हो ही जाएगा. I welcome you all to this paper. This paper, out of all the subjects that I have taught in my life, whether that is FR, SFM, costing, DT, IDT, I still regard costing as one subject जहाँ पे कोई concepts नहीं होंगे. तो मेरे को आपके अंदर से basically एक ही चीज वो चाहिए, that your love for money. Everybody loves money, right? So if you love money, if you love business, okay, आपको ये वाला जो subject है, आपको जो decision making वाले जो chapters हैं हमारे, जो standard costing वाले जो chapters हैं, आपको बहुत interesting लगेंगे. Because everything is only all about running your business and everybody wants to do business. Not only this knowledge will help you in your exams to get marks, it will help you in running your business in a very nice way. So ensure kijega, aap try kare hare question. Ensure kijega, you attend the lectures in a proper way. Ensure kijega, you do up the homework section. Ensure kijega, you do up the theory. I don't think so there will be any problem in securing more than 80 or 85 in this particular subject. All the best guys, I would love to have the feedback from you. Feedbacks only make me better. Your book is one of the books that has highest number of sums in India. So ensure that you do this particular thing. Practice manager institute aayega, ensure you do that particular thing also. Although module ka every question is covered up in our book. Apart from that, practice man whenever it will come out, I think so that is also covered only. So ensure that you do it in a proper way. Nothing is impossible. This paper is a very interesting paper. Discuss with your friends whenever the questions are given to you. Discuss about this particular subject. Shayad subject itna interesting hai ki aapko meri taraf se aur koi jokes wagera ki zarurat hi nahi padegi. It is a very nice subject to have also. So all the best. I hope to bring smiles across all the students who are going to be sitting for costing. Thank you. So we are starting away with your costing portion. This is batch is mainly only for the new course. Okay, so whatever we all are doing in this case, that is all for the new course, whatever is going to be there. Okay, now as compared to whatever was the old course, there have been quite lot of changes that I will keep on speaking whenever the relevant things will be coming. Okay, so let's start away with your costing portion. Now, costing is one subject that will help you to learn business a lot in case in future you are interested in running your business. So this is one subject that will try to help you in running your business. Okay, so what I require is something that is there with everybody. It's only that you all have to try to bring it out. That is your common sense. There is nothing else that you all require. So we don't play with any formulas. We don't need to be knowing any accounts, no FM, no costing also of IPCC, whatever this portion is all there is all an independent thing as compared to whatever you all have learned before. Okay, so with this I'll start it off. Now in the new course, what the institute has done, OR portion has been removed. It states that only to the extent OR is required for the other chapters which are there, it will be still relevant. So as far as the main OR goes, that is all gone now. Whatever we all have is basically only costing and only costing from here till end. Okay, now that is first thing. Second thing, ICA has told that it will be asking you case studies. So case studies are business situations whereby there is a business, some problem is going on. So therefore you try to address that particular thing. That will be asked around for 20 to 30 marks. So it might happen that there will be only one case study for 25 marks. That is what I'm trying to guess in the new question. Okay, because if you'll try to see case studies in the module, every case study ka question goes over for 4 sides, answer goes over for 5 to 6 sides. Okay, so it is extensive thinking that you have to be doing to answer the case studies. Okay, and yours is also the first batch in India for the new course. So that is a good thing that you all are starting now. Now, your book is part one, whatever I had to give you. This is a practical book. There will be shortly a theory book which also will be forming part of this.
In this book, I've tried to cover maximum whatever I think is relevant for your exams. Every question of module is there in this particular book, that is for sure, okay. Practice manual for the new course is not going to be out for a long time now, okay. In the old course, there was a practice manual and a module. Now there is no practice manual, so it's only the module now. So whatever we think are relevant, okay, around whatever I think is relevant plus whatever I think that institute can try to go to the extent of, I've tried to put all those things. That is first. Second, any international kind of examinations that you might try to think you want to be doing, something like CIMA, that is London Institute for Costing, uske questions are also covered up. Then US Institute, that is Certified Management Accountant, that is the CMA, uske questions are also covered up in this. So I've tried my extent possible to be doing all the things, okay. In your book, against every question, there are three blank stars that are kept throughout your entire book. That is for giving the importance of a question. That I will try to tell you once your portion is over, okay, not before the portion starts. Apart from that, every book, okay, in our book, there will be few questions that are supposed to be done by you all, that I call as a homework section ka questions. Uska yahan par, what we all have done, I have tried to put the final answer, I have tried to put hints and assumptions. Full-fledged detail answer you will be getting on the website, okay, but I would still want that you try those particular questions. Those are there for your practice, okay. We still do maximum number of questions, not only in Bombay, across entire India for costing, okay. So whatever I do, frankly, there is head and tail of anything that anybody can do, much more than that. But then at the end, if by your attempt practice manuals are out, that will be your duty to be doing that particular thing, and the RTPs also. In case you're thinking of ranks, costing will help you in one thing, that is to get ranks. Most of our past rankers, okay, they all have got above 18 costing. So that is one of the things, like, you know, that's why we try to start costing slowly. So therefore, at least one or two subjects you should be quite familiar with. Okay, so let's start. You all can open the index that is there. Now, index ke right hand side pe, first you all see that particular thing, that is the next page of the index, that is a weightage that has come as per the institute, okay. Now, I don't know whether papers are going to be exactly as per the weightage or not, but that is a weightage that ICA has put on the website now, so that forms part of your book. But your book is not arranged in that particular manner. It has to be arranged in that particular manner. So therefore, you all can learn the things in a proper way. So therefore, your index is different as compared to the weightage. Now in index, your major chapters are still second and third, that is your decision making part. So we have around 150 questions in combined for that particular thing. So those will be still around for 35 marks or something, that is your chapter number 2 and 3. Apart from that, your standard costing and the next chapter, that's chapter number 10, these two are around for 20 to 25 marks. So around 70% is still the old thing jo pehle tha, that is in this case the marginal costing and standard costing wala part, okay. Apart from that, whatever is left out, because in the end the paper will be around 116 marks with choices, okay. So the rest will be all the case studies and the other topics which are there. Now do remember that institute does not want you all to answer those questions which are asked in every attempt. So in costing, you will hardly find a question that is a repetitive question. They come out with new business situations. So one thing that we try in class a lot is that we solve a question, okay. Once you are in hold of the topic, that time we read the question, you try the question, I give you a stipulated time, you answer me the question in that much time, I'll explain, I'll put the things on the board, okay. It's no point in me solving the question, ultimately you have to try it and get on with the things. And believe me, out of all the subjects, not because I'm doing it, I have taught all the subjects, the other subjects also, but one of the subjects that does not require anything except your normal business sense, everybody loves money. So costing will help you to run your business in a proper way and earn good money, okay. So that is something that will be more helpful to you once in fact your CA is over, okay. This is part of the studies, that's okay, but in real life that will help you a lot, okay. So your major chapters are chapter number 2 and 3, and your major chapters are 9 and 10. All other chapters are also important. We are going to be doing all of them.
because in the new course, frankly, no papers are there with us to be seeing what is more important, what is less. You do each and everything, you will be able to answer all the questions, okay? And one, two other last things. Institute also does not have many books to be making the new course, okay? So in first two or three attempts is going to be almost from the module only, okay? I have gone way above the module to try to make your book, okay? But module should be the benchmark for all the things that we all are doing, okay? So let's start soon. Chapter number one, I have only one practical question to be done in that entire particular chapter, and this chapter is all about what now that you all are starting. Listen, in beginning, I introduce you to one small thing, that is, whenever you run or whenever you do a business, there are two aspects of a business. One is running the business, and the other particular part is reporting of the business profits and losses. Your paper number one is all about this part. And my costing is all about this part. But these two functions are very different from each other. Reporting is done by accountants. When you're doing costing, you are not an accountant. Neither you are trying to learn how to make books of accounts with me. I hate those particular things. What you all are interested in this particular case, how to run your business in a proper way, that is whatever I'm trying to teach you as such. Okay. So business is not run by the accountants. Okay. It's run by the owners. It's run by the management. Okay. Only I have one small chapter whereby even reporting part comes, and that is chapter number one, and that is how to make books of accounts using two techniques. One of them is going to be called as absorption costing. Other of them is going to be called as marginal costing. These are two techniques how to be making books of accounts. So therefore, we all start away with that particular thing only. What we all are going to be doing, what is absorption costing? How does it work? What is marginal costing? How does it work? What is the difference between both these particular things? Okay. And how will in end marginal costing help you not only for reporting, it will also help you for running the business. That is whatever is the first chapter all about. Small chapter, it's just a introduction to whatever we have to be doing as such. Okay. In your notebooks, you all write down. Likhiye. Chapter number one. Preparing books of accounts using absorption and marginal costing. Let's start. So many things you're going to be writing in your textbook, I have tried to make the book in that particular way. So therefore, like few of the things that can be getting done fast, we'll try to do that. So textbook, what are two branches of costing? You all can write down. First, absorption costing. / traditional costing. Second, marginal costing. Listen, now, try to think that there is some company that makes, say, one type of product only one type of product, okay? This company thought we are trying to manufacture a product. Obviously, we should be knowing cost for it. It's a very simple thing. You have to know the cost for various reasons. You have competition in the market. Your cost should be as less as possible. So try to compute your cost. Agar tumhara cost bahut zyada hai, kam karne ka try karo. Cost might also be useful for fixing your selling price. That could be one other add-on use or something like that. Given a choice, I would also like to find out breakup of my cost. So therefore, if any cost specifically is high, I would like to reduce that. Okay. So therefore, I thought ki agar main ek unit banata hoon, which cost get incurred? So first of all, I thought, mera jo product hai, suppose usko 5 kgs of raw material lagta hai. In this case,
I purchase raw materials, say at the rate of rupees 2. So therefore, my direct material cost will be 10. Yaad rakhna, there is no problem for finding out 10. Why? Because 10 is a direct cost. Direct cost ka matlab kya hota hai? It is something that is directly incurred for each and every unit. Main ek unit banaunga to 10 rupay ka kharcha wo ho jayega. It's very simple to estimate direct cost. For a small example, if I try to think like this, ki tum logo ko maine admission wagera diya. What is my direct cost? My direct cost is only books ka cost. I know my books ka cost. Okay, it's around 300 rupees per book. So therefore, I know that particular thing. Okay, so direct cost, direct material is one among them. It's easy to estimate. Second particular thing, direct labor. Suppose ek unit banane ke liye, say 3 hours lag jata hai. I pay the worker, say at the rate of 4 per hour. So therefore, this will become 12. Again, this cost is direct in nature. Direct in nature matlab is directly incurred for any unit. So therefore, you can estimate that cost. जब भी मेरे को ऐसा सोचने का होगा कि यार वन यूनिट बनाऊंगा व्हाट विल बी माय डायरेक्ट लेबर आई विल स्टार्ट टू थिंक हाउ मेनी आवर्स द वर्कर्स विल टेक सी 3 आई विल पे द वर्कर्स एट व्हाट रेट 4 रुपीस सो देयरफॉर इजी फॉर मी टू एस्टिमेट टोटल ऑफ दिस एंड दिस ऑफन गिव्स यू द कांसेप्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट इन ऑल फॉरेन कंट्रीज इज ऑफन कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट से दैट दैट बी कमिंग टू 22 लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा आपका जो भी खर्चा होता है इन रियल लाइफ यू कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज व्हाट ओवरहेड्स Overheads could be say of two types, variable and fixed. In this case, variable overheads is some expense like say electricity. Or electricity kab lagta hai? Jab worker kaam karta hai. So therefore, hours of workers could be applicable to electricity also. Suppose yahan par electricity 3 hours ke liye wo lagega, kyunki worker bhi 3 hours ke liye kaam kar raha hai. Commercial rate of electricity says rupees 6 per hour. So therefore, this figure will come to kitna 18. Now everything comes to a halt when you try to do fixed overheads. Because fixed overheads koi product ke liye to nahi lagta. If I try to think like this, yaar ek student abhi wo admission lekar aaya, okay. Uske liye rent kitna lag raha hai? Uske liye to rent nahi lag raha hai. These are fixed cost, okay. Fixed cost are often termed as period cost. They are not incurred for any unit as such. They are incurred as a lump sum, okay. I pay rent, I have a head office down, okay. So therefore head office ka ek lump sum kharcha hota hai. That doesn't depend upon the number of students, okay. Which are these costs? These costs are popularly called as fixed cost. Now, fixed cost pose a problem. Why? Because fixed cost per unit karke duniya mein kuch nahi hota. Because fixed cost are lump sum figures. Okay. Anything in your life that you all have termed as fixed cost, say something like the rents, something like say the salary, something like say the depreciation, all these particular costs are fixed cost. फिक्स्ड कॉस्ट कोई प्रोडक्ट के लिए नहीं लगता लेकिन बेटा लगता तो है खर्चा तो है तेरी कॉस्ट के अंदर वो सब कुछ तो आना भी चाहिए ओके दैट इज व्हाट एवर वी ऑल आर नाउ इंटरेस्टेड तो मेरे को यहां पर क्या है एक प्रॉब्लम है कि मेरे को फिक्स कॉस्ट चाहिए लेकिन फिक्स कॉस्ट को यूनिट के लिए नहीं लगता सो देयर इज अ डिफरेंस ये कॉस्ट और ये कॉस्ट और इस कॉस्ट में बहुत फर्क आ ही जाता है क्योंकि दीज कॉस्ट विल नेवर एवर बी इनकर्ड फॉर एनी यूनिट एज सच लेकिन चाहिए तो सही If I will not include this as part of my cost, ek to my costing is wrong, that is first thing. Second particular thing in this case, mera jo profit hoga, usually your profit should be on cost. Okay, my cost is only wrong. So unless and until you charge this particular amount over here, you will not be able to compute the correct cost. And that is why somewhere or the other, group of 5 people formed traditional theory of costing. That traditional theory came to be known as absorption costing. Absorption costing was ek hi cheez ke liye tha, and that was how to put fixed overheads inside every unit that you all make. That is the entire purpose of absorption costing, nothing else. Yaar rakhna hamesha fixed overheads company ka hota hai. Lekin fir bhi every product has to be bearing some part of that particular thing. Okay, how to bear, that is how absorption costing came. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये लोगों ने क्या बोला लेट्स कंप्यूट वन रेट ऑन द फर्स्ट डे दैट रेट विल बी नाउ कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन रेट तुम लोग शायद आईपीसीसी के ना इसको दो और नाम भी दे देते थे एब्जॉर्प्शन रेट बोल सकते हो एप्लीकेशन रेट बोल सकते हो रिकवरी रेट बोल सकते हो एनीथिंग इज ओके फॉर मी एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बीओएच अपॉन बीएलए बीओएच अपॉन बीएलए का मतलब फर्स्ट डे आप सोचो आपका बजटेड ओवरहेड्स कितना लगेगा फर्स्ट थिंग सेकेंड आपका बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होगा इन सिंपल वर्ड्स एस्टिमेट योर फिक्स्ड ओवरहेड्स इन सिंपल वर्ड्स एस्टिमेट योर आउटपुट एंड दैट्स इट ओके फर्स्ट डे मेरे को लगा इस साल मेरा रेंट का खर्चा इतना होगा मेरे को लगा माय सैलरीज टू माय मैनेजर इतने रुपीस का हो जाएगा
मेरे को लगा डेप्रीसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी से इतने रुपीज का होगा, मैंने टोटल मारा आंसर आ गया 1 लाख. मेरे को लगा इस साल मैं 25,000 यूनिट्स वो बनाऊंगा, सो देयरफॉर माय एब्जॉर्प्शन रेट केम टू रुपीज 4 पर यूनिट. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रेट? इट इज सिंपली फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट. बस बात खत्म हो गई. ये फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट का मतलब इतना ही है, हर यूनिट के लिए अप्रोक्सीमेटली योर फिक्स्ड ओवरहेड्स टू बी चार्ज इज कितना? रुपीज 4. ये जो 4 है उसका कभी ये मतलब मत सोचना, जब भी मैं एक यूनिट बनाता हूँ जेब से 4 रुपया निकाल के किसी को पे करता हूँ. ऐसा सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस के लिए हो सकता है? वेरिएबल एक्सपेंसेस. दिस इज जस्ट अ रेट फॉर यू, नथिंग एल्स. ओके, मैंने बस यहाँ पे जो काम किया है, टेक योर फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यू विल अराइव एट फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट. बस द मोमेंट आई डू दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस विल बी नथिंग बट 4 ओवर हियर. आई विल अराइव एट माय टोटल कॉस्ट, एड अप द प्रॉफिट मार्जिन, फिक्स अप द सेलिंग प्राइस, सो देयरफॉर माय जॉब इज ऑल टुगेदर डन. ओके, दिस पर्टिकुलर रेट इज गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन रेट. ओके, सो याद रखना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल ओनली अप्लाई टू वन सिंगल ओवरहेड्स, विच इज दैट ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड. इट नेवर एवर अप्लाइज टू वेरिएबल. उसका सिंपल रीजन इतना ही है, वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे भी पर यूनिट कॉस्ट होता है. ओके, तो उसको मेरे को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट नहीं करने का, क्योंकि उसका नेचर ही पर यूनिट कॉस्ट है. ओके, सो देयरफॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल ओनली बी एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर थिंग. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जरा प्लीज. क्वेश्चन नंबर 2, लिखो, हाउ डज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्क? लिखो, इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ, एब्जॉर्प्शन रेट / रिकवरी रेट / एप्लीकेशन रेट. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज एब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूटेड? लिखो, AR इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स, शॉर्ट फॉर्म BOH, divided by budgeted level of activity BLA. चलिए सुन, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है. ठीक है, सुनो अभी क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह है दैट वी ऑल फाइंड आउट. ओके, तो एब्जॉर्प्शन रेट तो चलो वो मिल गया. एक और चीज जरा सोचो, मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितने रुपीस का हो जाएगा? 1 लाख. मैं यूनिट्स कितने बनाऊंगा? 25,000. मतलब टू एवरी यूनिट दैट आई प्रोड्यूस आई प्लान टू चार्ज 4 रुपीस. मतलब जो भी यूनिट बनेगा उसको कितने रुपीस का ओवरहेड्स चार्ज हो जाएगा? 4. मतलब एवरी यूनिट विल बी गेटिंग सेम ओवरहेड्स. एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी वर ओनली रनिंग कॉस्टिंग एंड नथिंग एल्स. ओके, तो पीपल ओनली कम फॉर कॉस्टिंग एंड नथिंग एल्स. अगर ऐसा होता तो, सो देयरफॉर व्हाट आई विल बी थिंकिंग, एवरी स्टूडेंट इज सेम? नो फॉर मी. ओके, फीस दैट एवरी स्टूडेंट पेज इज सेम ओनली, सो एवरी स्टूडेंट शुड बी बेयरिंग सेम रेंटल कॉस्ट. तो याद रखना ये वाला मेथड का एक इम्पैक्ट होता है. इम्पैक्ट क्या होगा? Each of the units that you are planning to produce will be getting same fixed overheads. Try to answer the question by yourself. Which companies would follow this particular method? Only those companies would like to follow this particular method which only produce one single product. क्योंकि अगर आप लोग एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो, फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, मैं ऐसा वो स्टाइलस तो वो बनाते हैं बस, दैट्स ओनली प्रोडक्ट दैट आई मेक. सो आई ओनली मेक स्टैंडर्ड स्टाइलस लाइक दिस, बस माई जॉब इज ओवर. So each and every stylus is same only. So every stylus should be getting the same cost. Okay, in this particular case, you follow output method. In any case, it'll be getting the same cost. वरना आजकल की रियल लाइफ के अंदर frankly this method is never ever possible. वैसे this method is popularly called as output method. Output method मतलब in denominator you write down how many units you all will produce, but it should only be followed by those companies which are a single product company. If you are a single product company in any particular
case, you will be making only one type of product. Every unit should be getting same overheads. You follow this particular method. In any case, they will get same fixed overheads. Textbook question number 4. What are 6 methods of expressing BLA? Likho first. Write down. First, output method. Aage chota chota wahan pe wo likh dena. Followed by single product companies. अच्छा सुनो, सपोज जरा सोचो, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. एक प्रोडक्ट एक्स है, सपोज एक वाई भी है, एक जेड भी है, तो फिर क्या करें? तो फिर देन आई ऑलवेज स्टार्ट टू थिंक एवरी प्रोडक्ट शुड बी गेटिंग डिफरेंट ओवरहेड्स यार. फर्स्ट प्रोडक्ट शुड बी गेटिंग समथिंग डिफरेंट, सेकंड समथिंग, बिकॉज दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, अभी सपोज आईफोन आता है, अभी आईफोन तो 6 भी आता है, आईफोन तो 10 भी आता है. ओके, वन इज फॉर 30,000, वन इज फॉर 1 lakh रुपीज, फॉर विच यू माइट हैव टू सेल टू योर सेल्फ ऑल्सो. नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस दीज आर डिफरेंट ओवरहेड्स, सो दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सो देयरफॉर दे शुड बी गेटिंग डिफरेंट ओवरहेड्स ऑल्सो. देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी ऑलवेज से विच मेथड यू कैनॉट फॉलो, आउटपुट मेथड. वी हैव 5 डिफरेंट मेथड्स, सेलेक्ट वट एवर सूट्स योर कंपनी. आउट ऑफ दैट फर्स्ट वन मशीन आर मेथड. मशीन आर मेथड मतलब डिनोमिनेटर के अंदर आप ये चीज सोच लो कि कितने मशीन आर्स का काम होगा. आई एस्टिमेटेड द प्रोडक्शन ऑफ ऑल माई प्रोडक्ट्स. I estimated every unit will be requiring कितना मशीन आस. मैंने सबका वो टोटल मारा. सपोज आंसर 50,000 रुपीज आ गया, सॉरी 50,000 मशीन आस आ गया, तो मेरा एब्जॉर्प्शन रेट विल बी कमिंग टू कितना? 2 पर मशीन आर. ये 2 पर मशीन आर का मतलब क्या होता है? वेन एवर एनी प्रोडक्ट विल बी रिक्वायरिंग 1 मशीन आर, चार्ज 2 रुपीज एज ओवर इट्स. फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, कोई एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है, सो 3 × 2 यू विल बी चार्जिंग कितना ओवर है? 6. कोई और प्रोडक्ट है जिसको 20 आवर्स लगता है, 20 आवर्स इंटू 2 यू विल बी चार्जिंग कितना? 40. तो जैसे जैसे आवर्स विल रीच, सॉरी जैसे जैसे द आवर्स विल इंक्रीज, इवन द फिक्स्ड ओवरहेड्स टू बी चार्ज विल स्टार्ट टू इंक्रीज. ओके, सो इफ यू आर अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मशीन आर मेथड इज एन ऑप्शन फॉर यू. बट दिस मेथड शुड बी फॉलोड इफ योर प्रोडक्शन इज मशीन ओरिएंटेड, समथिंग लाइक से सैमसंग या एप्पल, वेर एवर predominantly output is machine controlled. Okay, if you don't want to be doing this particular thing, you have a next method, say a labor hour method. मेरे को लगा इस साल suppose 2 lakh labor hours का काम होगा. Okay, so therefore my absorption rate will be coming to कितना? 0.5 per labor hour. कोई भी product को बनाने के लिए 1 labor hour को लगता है, charge 0.5 as overheads. Okay, now all these particular methods, whatever I am about to tell you, all these in end only give you one single thing. And what is that one single thing? They help you to find out how much overheads each and every unit will get. That is whatever I am interested as such. Okay, तो यहां पर अभी मशीन आर मेथड है, लेबर आर मेथड है. दिस मेथड इज यूजुअली फॉलोड वेन एवर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेबर ओरिएंटेड. तुम्हारा आईपीसीसी का कोई भी क्वेश्चन याद कर लो, मेनली यू आर फॉलोइंग मशीन आर मेथड और लेबर आर मेथड. ज्यादातर जो क्वेश्चन है वहां पे या मशीन आर ही आता था या लेबर आर ही आता था. सो टेक्स्ट बुक सेकेंड मेथड मशीन आर मेथड. थर्ड मेथड लेबर आर मेथड. सुनो, लास्ट 3 आर रेजिडरी मेथड्स. पीपल यूजली डोंट फॉलो देम, ऑल्दो देयर इज स्टिल एन ऑप्शन. तो आपका जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड एज लेबर कॉस्ट मेथड. लेबर कॉस्ट मेथड मतलब तू डिनोमिनेटर के अंदर तू लिख दे इस साल अपना लेबर कॉस्ट का खर्चा कितने रुपीज का हो जाएगा. मेरे को लगा 5 lakh रुपीज. तो सुनो भी जरा ध्यान से, ये जो है दिस इज नथिंग बट फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ दिस ईयर. दिस इज नथिंग बट लेबर कॉस्ट ऑफ दिस ईयर. वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 टू हैव अ परसेंटेज. सो देयरफॉर मेरा जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कितना हो जाएगा? 20% ऑफ लेबर कॉस्ट. 20% ऑफ लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर 100 rupees का लेबर कॉस्ट लगता है, उसको चार्ज कितना रुपीज एज ओवर हेड्स? 20 rupees. सपोज मेरा कोई एक प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट वाई, उसको बनाने के लिए 500 rupees का लेबर कॉस्ट लगता है बस, तो उसको हाउ मच ओवर हेड्स विल यू चार्ज? 100 rupees. ओके, कोई और प्रोडक्ट है उसको 1000 rupees वो लगता है, चार्ज 20% ऑफ दैट, सो देयरफॉर 200 rupees एज ओवर हेड. एवरी मेथड इन एंड विल ओनली टेल यू वन आंसर, एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर आंसर? हाउ मच फिक्स्ड ओवर हेड शुड बी
charge to each and every unit. तो जैसे labor cost method आता है, next two methods मैं कोई example नहीं दे रहा हूँ, तुमको नाम सुन के समझ में आ ही जाएगा. There will be something called as material cost method. There will be something called as prime cost method. तो denominator के अंदर तुम लोग labor cost के बदले में क्या क्या लिख सकते हो, या material cost या prime cost. Last three methods that we are about to be writing, if these methods are to be used, question will tell you that you the company follows these particular method, that time you all can follow. Likho zara please fourth, percentage of labor cost method. Percentage of labor cost method. Fifth, percentage of material cost method. Sixth, percentage of prime cost method. Suno. अभी जो ट्रेडिशनल अकाउंटेंट्स थे ना, दे टोल्ड हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बना रहे हैं फॉर टू रीजंस. फर्स्ट, इट विल हेल्प यू टू गेट फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट. दैट वाज देयर फर्स्ट बेसिक रीजन कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्यों बनना स्टार्ट हुआ. बट एज टाइम पास नो दोज गाइस टोल्ड लेट्स कन्वर्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनटू एन अकाउंटिंग सिस्टम. एंड स्लोली स्लोली व्हाट्स स्टार्टेड टू हैपन इज दैट there was a accounting system developed around absorption costing. So that is whatever is our first chapter also. How is absorption costing used to make your books of account? That is whatever you all are interested. Ye accounts wala part hai, okay? This is your only chapter that is there, that is in relation to the accounts. That is the smallest chapter also. But then in any case, there we are trying to talk of books of accounts, okay? Now before I start to do this thing, there is one thing that everybody has done in IPCC, that's your cost sheet, okay? So I just want to be knowing cost sheet ka format from you all. Okay, so first of all, ek direct material consumed aa jata hai. That is opening stock plus purchases less closing stock. Abhi aage chalte hain. Iske baad kya aata hai? Direct labor. Phir uske baad kya aa jata hai? Direct expenses. Although as per the London Institute now, direct expenses ka head is scrapped. Okay, lekin chalo theek hai. In India, all those things have still not come. Okay, uske baad prime cost. Uske baad aa jayega, yahan par kya aa jayega beta? Factory overheads. उसके बाद विल स्टार्ट टू एडजस्ट डब्ल्यू आई पी स्टॉक. उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट के बाद यहाँ पर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सी ओ पी. उसके बाद एडजस्ट योर फिनिश गुड स्टॉक. एडजस्ट मतलब एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. उसके बाद क्या आ जाता था? सी ओ जी एस. उसके बाद आ जाता है एड एस एन डी. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. उसके बाद आ जाएगा एड प्रॉफिट. यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी? सेल्स. ओके सुन, अभी ये वाला जो फॉर्मेट है ना, आई पॉपुलरली कॉल दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट एज फॉर्मेट दैट बिलोंग्स टू कॉस्टिंग इन इंडिया. अगर तुम लोग इंडिया के अंदर जो ICWA जो इंस्टीट्यूट है, दे कंट्रोल द कॉस्टिंग, दे प्रिस्क्राइब दिस फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट इन इंडिया. ओके, ऑल्दो स्टिल डू रिमेंबर इन इंडिया कॉस्टिंग इज नॉट अ कंपल्शन. तुमको वो लैंग्वेज वो समझ में आता है? मतलब एवरी कंपनी हैज टू बी मेंटेनिंग फाइनेंशियल बुक्स. They need not be maintaining costing books. There is no regulation in India that makes costing as a compulsory option. Okay, so it is your wish. If you want to maintain costing books, you can be doing. Ek minute, aap log ka integral non integral karke ek chapter tha. Now that is not must for every company. If you feel you want to maintain costing books, then you do that at your will. Government in India does not make it compulsory. Example, Income Tax Act will tell you maintain your books of accounts. Books of accounts bole to kaun sa books of accounts? Financial books of accounts. Okay. तो सुनो, दिस इज योर कॉस्ट शीट. इस कॉस्ट शीट का इन ऑल थोड़ा सा कुछ पार्ट्स है, वो जरा ध्यान से वो देख लेना. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट. दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट. दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट. अब ये तीन पार्ट्स क्यों यार? तो सुनो, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल ऑफ देम आर इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग. बट यू मैन्युफैक्चर टू थिंग्स इन लाइफ. You manufacture finished goods also, plus you manufacture WIP. मैंने WIP बनाया, मतलब मैंने goods तो बनाया ना, चाहे आधा अधूरा बनाया, लेकिन वो बनाया. तो यहाँ तक आप लोग जो भी खर्चे लिख रहे हो, they are incurred for making finished goods and WIP. जब भी तुम लोग बहुत छोटा था in IPCC, quantity produced of finished goods plus WIP को एक नाम दिया था equivalent output, process costing, ऐसा कुछ ना कुछ वो किया हुआ है. Okay, in any case, सुन. उसके बाद यहां पर क्या हो जाता है? यू एडजस्ट डब्ल्यू आई पी स्टॉक. उसका मतलब क्या है?
WIP के ऊपर जो भी आप लोगों ने खर्चा किया इधर से निकल गया, तो मतलब नीचे कौन सा खर्चा बस फ्लो हुआ, खर्चा दैट इज इनकर्ड फॉर, बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. लेकिन सुनो, जो भी गुड्स अनसोल्ड रहे उसका खर्चा इधर अटक गया, मतलब नीचे सिर्फ कौन सा खर्चा गया यार, खर्चा दैट इज इनकर्ड फॉर, बोल सकते हो, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, अब जरा सोचो, ये जो ट्रेडिशनल अकाउंटेंट्स है ना, इन लोगों ने एक रूल बनाया, और वो रूल क्या था, वो लोग क्या बोलते, वी विल अप्लाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टू ओनली ओवरहेड्स. नेक्स्ट थिंग यू ऑल नो, इन ओवरहेड्स ऑल्सो इट विल ओनली अप्लाई टू विच ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड. लेकिन उनका लास्ट रूल आना बाकी था, व्हाट दीज गाइज हैड टोल्ड, वी विल ओनली अप्लाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टू दोज फिक्स्ड ओवरहेड्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन. और वो इनके ना सिक्स मेथड से भी अपने को दिखाई देता है. एक मिनट, सिक्स मेथड्स का नाम जरा पढ़ो, क्या क्या था. आउटपुट मेथड, कितना प्रोड्यूस करेगा. मशीन आर, मशीन क्या करता है, प्रोड्यूस. लेबर आर, प्रोड्यूस. लेबर कॉस्ट का खर्चा कब होता है, व्हेन यू प्रोड्यूस. मटेरियल कॉस्ट का खर्चा, व्हेनेवर यू प्रोड्यूस. प्राइम कॉस्ट का खर्चा, व्हेनेवर यू प्रोड्यूस. तो ये लोग क्या बोलते थे, इन रियल लाइफ प्रोडक्शन इज देयर इन आवर हैंड्स, सेल्स इज नॉट देयर इन आवर हैंड्स. ये लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल ओनली अप्लाई टू दोज फिक्स्ड ओवरहेड्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन. क्योंकि ये लोग क्या बोलते थे, आपको एब्जॉर्प्शन रेट के लिए क्या चाहिए, BLA, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, एंड ऑल देयर सिक्स मेथड्स ओनली हिंटेड एट यू कंट्रोलिंग प्रोडक्शन. क्या हुआ था, अराउंड 1980s के आसपास, वी ऑलवेज यूज टू बी सेइंग कि बिजनेस करना वॉज ओनली वन थिंग, दैट इज यू रिक्वायर्ड अ जिगर. नाउ यू रिक्वायर अ जिगर एंड अ अक्कल बोथ. ओके, सो एट दैट टाइम जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर थे, दोज गाइज यूज टू बी कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग. इट वॉज अ सेलर्स मार्केट एट दैट टाइम, सो सेलर्स कुड प्रिडिक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस कि वट इज अ प्रोडक्शन दैट दोज गाइज कुड बी डूइंग. दे कुड कंट्रोल द सेलिंग प्राइस, दे कुड कंट्रोल मेनी थिंग्स एज सच. ऑल्दो टूडे इट हैज बिकम अ बायस मार्केट. सो वट दीज गाइज हैड टोल्ड, वी विल ओनली कंट्रोल द प्रोडक्शन, एंड देयरफॉर दिस रूल हैज स्टार्टेड टू कम दैट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली विल अप्लाई टू दोज फिक्स्ड ओवरहेड्स दैट आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन. ठीक है, तो अब जरा इस रूल को आगे यहां पर वो सोचते हैं. तेरे पास तीन ओवरहेड्स हैं इधर, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एक एडमिन है, एक S&D है. अभी देखकर भी तुम लोग को पता चल जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट पार्ट यार, प्रोडक्शन. एडमिन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट थिंग यार, प्रोडक्शन. लेकिन S&D इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट थिंग, क्वांटिटी सोल्ड. तो ये लोग क्या बोलते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल ओनली अप्लाई टू दोज फिक्स्ड ओवरहेड्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन. तो मतलब अगर तुम लोग कॉस्टिंग इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, इट विल अप्लाई टू टू टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स. नेम दोस टू ओवरहेड्स, बोलो, फिक्स्ड फैक्ट्री एंड फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स. अभी क्या हुआ, ये तो फॉर्मेट है कॉस्टिंग इन इंडिया का. आउटसाइड इंडिया नोबडी मेक्स दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. आउटसाइड इंडिया वी ऑलवेज से जो एडमिन वाला पार्ट है वो S&D के साथ चला जाएगा. तो इन योर एंटायर कॉस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 months, Whenever I say costing in India, तो याद रखना admin इधर आएगा. Whenever I will say costing outside India, तो admin किसके साथ चला जाएगा, S&D के साथ. अगर S&D के साथ चला जाएगा, मतलब now it will depend upon which quantity, quantity sold. Absorption costing will not apply to that also. ठीक है, तो absorption costing only applies to those fixed overhead which are dependent upon production. Okay, मेरे को ना तुमको तीन चीजें वो सिखाना है. One is costing in India, that I have taught you. उसके बाद कॉस्टिंग आउटसाइड इंडिया, दैट आई हैव नॉट टोल्ड, वट एवर इज अ डिफरेंस एज सच. एंड लास्टली वट आई हैव टू ट्राई टू टीच इज अ बेसिक थिंग जो आप लोग 11th स्टैंडर्ड से कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट फाइनेंशियल अकाउंट्स. फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. मैं तुम लोगों से जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोगों ने मिनिमम 1000 क्वेश्चन तो किए हैं. सपोज आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, आपके पास पीएनएल अकाउंट है. ठीक है, मेरे को सोच समझ के वो बोलना, मेरा पोपट नहीं करना. सुनो, डायरेक्ट मटेरियल किधर आता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग के पीएनएल. जल्दी जल्दी बोलो, यू ऑल हैव रीच तो सीए फाइनल, बोलो जल्दी. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स. यू ऑल हैव रीच सीए फाइनल. अकाउंट्स इज द ओनली सब्जेक्ट दैट यू ऑल हैव बीन डूइंग. बोलो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएंगे. फैक्ट्री ओवरहेड्स इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ओनली. ओके, आगे मेरे को जरा बोलो, एडमिन और S&D किधर आता है. एक मिनट, मैं अलग अलग पूछता हूँ क्योंकि उसके अंदर ऑल्सो यू ऑल माइट गेट कन्फ्यूज. तो एडमिन किधर आता है, पीएनएल. S&D किधर आता है, एंड पीएनएल अकाउंट स्टार्ट्स विद प्रॉफिट ओनली.
It starts with gross profit. No, profit is result of which particular quantity? Quantity sold. तो याद रखना, अगर मैं कभी financial accounts के बारे में भी बात करता हूँ, admin and S&D will always be dependent upon which quantity? Quantity sold. तो याद रखना, costing in India और costing outside India अलग है. Costing in India और financial accounts अलग है. लेकिन दो चीजें अभी भी सेम है, बोल दो यार. Costing outside India and financial accounts, because in both the cases admin will depend upon which quantity, quantity sold as such. Okay. तो ये लोगों ने क्या बोल दिया था, absorption costing will only apply to those fixed overhead which are dependent upon production. देखो ये last words तुमको समझ में आता है कि नहीं. Therefore, it will always apply to factory overheads. Is this okay? Second, it will never ever apply to S&D. Is this okay? Third, it can apply to admin. आगे बोलोगे? If we are talking of costing in India, textbook question number 8, छोटा छोटा लिखना. 8 लिखो. It only applies to those fixed overheads which are dependent on production. Full stop. Therefore, it will always apply to factory overheads job. It can apply to administration also, if we are dealing with costing in India. It can also apply to admin overheads if we are dealing with costing in India. Chalo suno. Last wo concept before we'll start to shift to the questions. Okay, suno. Dekho. In this case, abhi, as I told, absorption costing no. Started to develop into a accounting system. So what you have to be knowing, how are books of accounts prepared using absorption costing? Let me just try to think that I am following output method. Output method should be followed whenever the companies are one single product company. So absorption rate is equal to BOH divided by BLA. Okay. तो एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू BOH. तो BOH मेरे को लगा इस साल अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा से 1 लाख रुपीज का होगा, इस साल अपना आउटपुट से 25,000 यूनिट्स का होगा. सो आर एब्जॉर्प्शन रेट विल बी कमिंग टू 4 पर यूनिट. अभी ये लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, जो ट्रेडिशनल जो अकाउंटेंट्स है, दे टोल्ड आज से बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसी के आसपास प्रिपेयर होगा. और ये लोग क्या बोलते थे, व्हेनेवर यू एक्चुअली प्रोड्यूस 1 यूनिट in your books of accounts, charge 4 rupees towards fixed factory overheads. Okay. So absorption costing kaise kaam karta hai? Although absorption rate is found out on the first day, but it is charged in your books of accounts whenever your production will actually start. Jab jab bhi ek ek unit banta jayega, 4 rupees absorb vagera wo karte rao. Theek hai. Maine socha tha ki kitna units banega? 25. Sochne ke liye kya hai? You can think anything in life. Okay. Lekin sachi ke na production karta gaya to pata chala saal ke end tak 30,000 units I have produced. Okay. जब भी एक यूनिट बनता था कितना रुपीस एब्जॉर्ब कर लेता था, 4. तो साल के एंड तक कितना अमाउंट यहां पे आ गया रहेगा, 1,20,000. दिस अमाउंट इन आईपीसीसी यूज टू बी कॉलिंग बाय 3 नेम्स. कई लोग इसको एब्जॉर्ब्ड अमाउंट बोल देते थे, कई लोग इसको रिकवर्ड अमाउंट बोल देते थे, कई लोग इसको अप्लाइड अमाउंट वो बोल देते थे. ऑल दीज थिंग्स मीन द सेम थिंग. इन माई वर्ड्स इट इज अमाउंट चार्ज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके. मेरे को एक चीज जरा सोच समझ के बोलो, 1,20,000 तुमको साल के फर्स्ट डे पे पता चलेगा कि लास्ट डे पर? यार ना, एब्जॉर्प्शन रेट इज फाउंड आउट ऑन द फर्स्ट डे, बट इट इज चार्ज्ड योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेनेवर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स. तो साल खत्म हो गया, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तो मिल गया,
उसके बाद साल खत्म हो गया तो एक और अमाउंट भी तो मिल जाएगा. कौन सा अमाउंट यार? एक्चुअल अमाउंट. ओके, एक्चुअल अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर के सोचा था कि 1 लाख रुपीज का खर्चा होगा. सपोज सच्ची के अंदर जो मेरा खर्चा हुआ वो यहाँ पे 1,50,000 रुपीज का हो गया. बस ये वाला जो डिफरेंस है, तुम लोग आईपीसीसी के अंदर इस 30,000 को क्या बोल देते थे? इधर दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन और इट इज ओवर एब्जॉर्प्शन. अगर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम होगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन, वरना वो ओवर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, बस दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई रिक्वायर फ्रॉम योर आईपीसीसी, नथिंग एल्स. मेरे को जरा बोलो, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट के लिए तुम लोगों ने बचपन में, बचपन मतलब योर आईपीसीसी होनी, मेरे को जरा बोलो, तुम लोगों ने 4 मेथड्स किया था. मेरे को बोलो कौन से 4 मेथड्स? एक मेथड तो बोल दो. कौन सा वाला? तो कैरी फॉरवर्ड. फर्स्ट मेथड वॉज कैरी फॉरवर्ड मेथड. आगे सप्लीमेंट्री मेथड. थर्ड मेथड वॉज सप्लीमेंट्री मेथड. सेकेंड मेथड एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्टिंग पीएनएल. लास्ट पर्टिकुलर मेथड पार्टली सप्लीमेंट्री पार्टली कॉस्टिंग पीएनएल. एक शायद क्वेश्चन याद करो जिंदगी में याद आए, 60% ऑफ द ओवरहेड्स वॉज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी किया था. एंड द रेस्ट वॉज एट्रीब्यूटेबल टू द इंक्रीज इन द ओवरहेड कॉस्ट. सो समथिंग यूज टू बी ट्रांसफरिंग टू द पीएनएल अकाउंट एंड समथिंग यूज टू बी डन यूजिंग सप्लीमेंट्री मेथड. इन एनी केस आई डोंट रिक्वायर ऑल दैट. सो नाउ आउट ऑफ दीज 4 मेथड्स, फर्स्ट मेथड इज कैरी फॉरवर्ड, मतलब 30,000 रुपीज यू कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड. You transfer 30,000 to cost of sales or costing P&L. Both of them are same only. If I have to try to tell you how they are same, अभी तुमको फिर से अपना IPCC याद वो करना पड़ेगा. Integral, non-integral. जो भी amount आपका cost of sales में आता था, that used to get transferred to your costing P&L account only. तो both these methods are same only. Okay? It's only that अगर कोई accounts बनाता है, तो हम लोग बोल देता है transfer to P&L. कोई cost sheet वो बनाता है, we say you transfer it to cost of sales. वरना in theory both of them are same only. सप्लीमेंट्री मेथड क्या बोलता है कि जिधर जिधर तुम्हारा एब्जॉर्ब्ड अमाउंट चार्ज हुआ था उधर उधर आप यहां पे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी चार्ज कर दो. एंड योर लास्ट मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मेथड प्लस दिस मेथड, दैट इज कॉल्ड एज पार्टली सप्लीमेंट्री पार्टली कॉस्टिंग पीएनएल. अब ये सब कुछ क्या होता है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग थ्रू द सम ओनली. सो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू गेट एब्जॉर्ब्ड अमाउंट. स्क्रीन पे जरा देख के बोलो. एब्जॉर्ब्ड अमाउंट के लिए बेटा मैंने दो चीजों को मल्टीप्लाई किया. मेरे को दो चीजों को इंग्लिश वर्ड्स में बोलो. एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, आगे बोलो, इनटू एब्जॉर्प्शन रेट. याद रखना, डोंट मल्टीप्लाई दिस इनटू 4, यू विल ऑलवेज अराइव एट दिस पर्टिकुलर फिगर ओनली. ओके, व्हाट वी ऑल रिक्वायर इज एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी. तो लिखो इज इक्वल टू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इनटू एब्जॉर्प्शन रेट. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू गेट अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स. तो तुम लोग कुछ ऐसे कर दो, दैट विल बी बेटर. लिखो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, पुट 2 क्रॉसेस, लेस एक्चुअल अमाउंट, दिस विल बी अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन. चलो सुनो, इन आईपीसीसी देयर वर 4 मेथड्स, नाउ आई रिक्वायर ओनली 3 मेथड्स हियर. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर 3 वेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स. लिखो फर्स्ट कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट पीरियड. सेकेंड adjust using cost of sales slash PNL. Third, adjust using supplementary method. चलो सुनो,
Your first page is all over. Aap log next page pe ho, page number 1.2. Whatever I have explained through absorption costing, let's implement that now first. Okay, then we'll start to come to marginal costing. So it's question number 10 right now. Aap log question number 10 par aa jaiye. 9 jo hai to wo dheere dheere fill up hona start ho jayega. Question number 10. Amazing Limited manufactures a single product. Meko waisi zara bolo, single product matlab you should follow which method? Output method. To single product ko underline karke wahan pe likh lena, output method. The following figures are budgeted. Budgeted word ko underline kar lo. For 1 year period. Okay. So, activity level 50%, 100%. Sales and production in units. 50% is 400 units. Obviously, 100% pe convert karoge, it will become 800. Uske baad sales. 8 lakhs, 16 lakhs. Calci lo ek bar. 8 lakh rupees ka sales hoga. कितने यूनिट्स के हिसाब से 400 डिवाइड करेंगे तो सेलिंग प्राइस वो मिल जाएगा तो 8 लाख अपॉन 400 करो सेलिंग प्राइस इन दिस केस विल बी कितना रुपीस 2000 अगर बाजू वाला डेटा भी वो लोगे 16 लाख अपॉन 800 शुड बी द सेम टाइम फिगर होनी तो इन एनी केस वो 2000 रुपीस ही आ जाएगा आगे प्रोडक्शन कॉस्ट विच इज वेरिएबल ठीक है एक मिनट तुम्हारे हिसाब से मेरे को जरा बोलो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कौन कौन सा कॉस्ट आता होगा अपने हिसाब से जरा नाम बताओ मेरे को विच कॉस्ट आर वेरिएबल एंड विच आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन बोलो एक डायरेक्ट मटेरियल आता होगा आगे एक डायरेक्ट लेबर आता होगा आगे अगर चलो कॉस्टिंग इन इंडिया है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डाल लो तो आगे बोलो एड एक और चीज तो आना चाहिए ना एक मिनट ये तुम्हारा कॉस्ट शीट है तो चलो कॉस्ट शीट देखकर तो बोलो एक तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन डायरेक्ट लेबर इज अ वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस इज अ वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड अपॉन प्रोडक्शन लेकिन याद रखना फैक्ट्री ओवरहेड्स का हमेशा दो पार्ट हो सकता है दो पार्ट का नाम तो बोलो वन इज वेरिएबल वन इज फिक्स्ड मेरे ख्याल से इवन दिस पार्ट इज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्शन नो तो एक काम जरा करो जिधर वर्ड है प्रोडक्शन कॉस्ट आगे जिधर वर्ड है वेरिएबल वेरिएबल के आगे चार चीजें वो लिख के रखो डीएम प्लस डीएल प्लस डीई प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिस इज सम ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स आगे तो कैलसी लो फिर से 320,000 है तुम्हारे पास डिवाइडेड बाय 400 जरा करो कुछ एक नंबर आएगा अगर बाजू वाला डेटा भी लोगे इट शुड बी द सेम नंबर होनी क्योंकि दीज आर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहता है आगे फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,60,000 उधर भी 1,60,000 एक मिनट फिक्स्ड ओवरहेड्स तो सेम ही रहना चाहिए जितना मर्जी वो यूनिट्स बनाओ फिक्स कॉस्ट शुड बी सेम होनी तो वो 1,60,000 ही है नेक्स्ट लाइन जब पढ़ते हो देखो कुछ बोलने का मन करे तो मेरे को वो बोल देना सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट बोलो आगे कुछ कॉस्टिंग आउटसाइड इंडिया क्योंकि सेलिंग और एडमिन इकट्ठा है मतलब उसको इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा इकट्ठा किधर वो लिखा जाता है कॉस्टिंग आउटसाइड इंडिया उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के रखो कॉस्टिंग आउटसाइड इंडिया अच्छा वेरिएबल एंड फिक्स्ड आगे द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट्स ओके फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली या इवनली थ्रू आउट द ईयर ठीक है एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेज आर 25% 5% एंड 10% मोर देन बजटेड ठीक है देयर वर 20 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 units were produced and 160 units were sold. एक मिनट. ऊपर जो first table था, that gave you the standard data, that gave you the budgeted data. For what period यार? 1 year. Last line पे उन लोगों ने क्या लिखा है? In the first quarter, 220 units were produced and 160 units were sold. तो याद रखना, in this question, I can only finalize books of accounts for one quarter. उसी पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन सकता है जो बीता अभी तक तो इस क्वेश्चन के ना सिर्फ एक ही क्वार्टर बीता है ओके ऊपर डेटा एक साल का होगा वो अलग बात है बट यू कैन ओनली ट्राई टू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर वन क्वार्टर आगे जरा पढ़ो रिक्वायर्ड पार्ट ए व्हाट वुड बी द प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओके पार्ट बी व्हाट इज द प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक है
why there is a difference between your answers to A and B. Chalo, theek hai. So let's start to do part A. Absorption costing jo aata hai, jo marginal costing hai, wo to chalo abhi tak wo aata hi nahi hai. Jo aata hai, pehle wo wala kaam kar lete hain. Okay, likho zara please. Write down part A. Likho. Cost sheet for the period. Cost sheet for the quarter likho. Cost sheet for the quarter. Under absorption costing. सुनो जब ये छोटे थे शायद वो आदत थी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी सोल्ड वो लिखने का दोस हैबिट्स वर गुड लेट्स राइट देम लिखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स तो इस क्वार्टर के अंदर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है 220 यूनिट्स Quantity sold of finished goods, 160 units. तो जैसे IPCC के ना cost sheet तो वो बनाते थे, same काम ही कर रहा हूँ, total और per unit. तो सुनो अगर ये तुम्हारा नॉर्मल कॉस्ट शीट होता तो स्टार्ट हो जाता डायरेक्ट मटेरियल से लिख दो चलो डायरेक्ट मटेरियल ऑल्दो मेरे पास वो है नहीं क्योंकि मेरे पास वो टोटल है सो आई एम जस्ट पुटिंग अ क्रॉस ओवर हियर उसके बाद डायरेक्ट लेबर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके बाद इन दिस केस प्राइम कॉस्ट वो सब चीजें मैं नहीं लिखता ऐड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे पास शायद ये चारों नंबर्स तो नहीं है लेकिन इसका टोटल अपने पास पड़ा हुआ है विच आई एम इंटरेस्टेड दैट इज नथिंग बट वेरिएबल Production cost. Chal, suno. This entire side in the notebook you all can leave for the cost sheet to get finished. Uske baad likho working note number one. Write down details of selling price, comma, variable cost per unit and fixed cost. So, एक पर्टिकुलर्स उसके बाद बजटेड उसके बाद चेंज और उसके बाद एक्चुअल डेटा तो चलो सुनो In this case, first thing, selling price. तुम लोगों ने शायद कैलसी के ऊपर कंप्यूट किया था या 8 लाख्स अपॉन 400 या 16 लाख्स अपॉन 800 तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया था 2000 इधर लिख के रखो 2000 आगे प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल फिक्स्ड Admin and S&D cost.
variable and fixed. So variable production overhead, so हम लोगों ने per unit शायद कैलसी के ऊपर वो निकाला था 320 upon 400, कितना रुपीस आ गया था 800. सेम वे आप लोग वेरिएबल एडमिन और एसएनडी भी निकाल सकते हो. 1,60,000 वाज माय बजटेड कॉस्ट फॉर कितना यूनिट्स 400. सो 1,60,000 अपॉन 400 आई गेस वो 400 ही आता है. अगर बाजू वाले डेटा से भी वो देखोगे 400 ही आ जाएगा, 3,20,000 अपॉन 800. अच्छा आगे, लेकिन याद रखना यू आर स्टिल ट्राइंग टू मेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर वन क्वार्टर. तो मेरा एक साल का खर्चा सोचा था फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कितने रुपीस का होगा, 1,60,000. नीचे किधर ना किधर एक लाइन है वो जरा पढ़ो, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इवनली इनकर थ्रू आउट द ईयर. तो साल का खर्चा 1,60,000 सोचा था, एक क्वार्टर का खर्चा 40,000 रुपीस सोचा होगा. फिक्स्ड ओवरहेड्स पीरियड के लिए होता है, पर यूनिट तो नहीं होता है. आगे फिक्स्ड एसएनडी, तो 2,40,000 was supposed to be the expense for 1 year divided by 4, so therefore that will be 60,000. अच्छा सम के अंदर अभी चेंजेस जरा चेक कर लेना, सम के अंदर चेंजेस बेटा क्या क्या दिया हुआ है. एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस वर 25%, 5%, 10% मोर देन द बजटेड. तो चलो ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 25% बढ़ा लो, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 5%. सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गया. तो सारे न्यू फिगर्स यहां पे रिकॉर्ड कर देना, 2,200, 840, 50,000, 420, 75,000. ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल डेटा. याद रखना यू आर ट्राइंग टू मेक योर एक्चुअल कॉस्ट शीट जिसके थ्रू वी रिपोर्ट आर प्रॉफिट्स. ओके, तो मेरे को एक्चुअल डेटा चाहिए था, जो टेक्स्ट बुक के ना डेटा था बेटा वो तो बजटेड डेटा था. ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं. तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, एक यूनिट मैंने जब बनाया इस क्वार्टर के अंदर कितने रुपीज का सच्ची का खर्चा हो गया, 840. तो इधर आओ, तो यहाँ पे एक्चुअल खर्चा लिखना स्टार्ट कर देते हैं. लिखो 840. अच्छा 840 इनटू, चलो इतना तो बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस के क्वांटिटी सोल्ड प्रोड्यूस. सो 840 इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस बेटा कितना है, 220. तो ये आ जाएगा 184,800. उसके बाद सुनो, आपका नॉर्मल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोगों ने पहले ड्राफ्ट किया था बेटा, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर तो दो पार्ट आता है, वन इज वेरिएबल, वन इज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. सुनो, ये जो तुम्हारा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है, दिस इज द ओनली थिंग जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाईज, क्योंकि एडमिन तो एसएनडी के साथ चला गया तो उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो अप्लाई नहीं होता. तो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होता है, फॉलो रूल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. लिखो इधर वर्किंग नोट 2, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्क्स विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एन एब्जॉर्प्शन रेट. तो यहां पे लिख के रखो वर्किंग नोट 2, एब्जॉर्प्शन रेट. अच्छा एब्जॉर्प्शन रेट कैसे मिलता है, इट इज बीओएच डिवाइडेड बाय बीएलए.
अच्छा BLA के लिए देर आर सिक्स मेथड्स विच आर पॉसिबल बट वी हैव टू फॉलो विच मेथड आउटपुट मेथड वो अपना बात हो चुका है तो सुनो यूजुअली एब्जॉर्प्शन रेट्स आर फाउंड आउट ऑन द फर्स्ट डे फॉर द एंटायर ईयर मेरे को अभी एक नंबर बस बोलना दो नहीं बोलो मेरे को बोलो मैंने क्या सोचा था मेरा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का इस साल का खर्चा कितने रुपीस का होगा टेक्स्ट बुक में से देख के बोलो बोलो 1,60,000 तो यहाँ पे 1,60,000 लिख के रखो अच्छा अब मेरी बात सुनो देखो मेरे को ना डिनोमिनेटर के अंदर ये चाहिए कि मैं इस साल कितना यूनिट्स बनाऊंगा आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर फिगर ठीक है अभी कितना बनाऊंगा यार सुनो देर आर थ्री ऑप्शंस फॉर यू आई एम एक्सप्लेनिंग दोज थ्री ऑप्शंस बट ओनली वन ऑफ दोज थ्री ऑप्शंस इज करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू टेल मी विच ऑप्शन ओके तो सुनो इन दिस केस नो फर्स्ट सम पीपल प्रेफर टू राइट डाउन ओवर हियर मैक्स कैपेसिटी Some people prefer to write over here practical capacity. Some people prefer over here to write down normal capacity. अभी ये तीनों का मतलब क्या होता है Once I explain you, then you tell me which figure is correct. Okay, तो सुनो In this case, no, max capacity. मैं अपना example दे रहा हूँ Forget about this question now. Okay. I wanted to find out, यार इस साल ना max to max, मैं कितना units बना सकता हूँ मैं एक सपना लेता है साल के अंदर 365 डेज होता है दिन का फैक्ट्री ओपन्स फॉर 8 आवर्स एवरी आवर माय वर्कर्स कैन मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स अगर ऐसे आंसर निकालता हूं दिस इज कॉल्ड एज मैक्स कैपेसिटी मैक्स मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हाइपोथेटिकल कैपेसिटी हाइपोथेटिकल मतलब इट इज अ इल्यूजन फ्रैंकली इतना यूनिट शायद बनाना पॉसिबल नहीं होगा मेनली बिकॉज ऑफ शायद फैक्ट्री नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन फॉर ऑल द 365 डेज शायद यू कैन नॉट वर्क फॉर 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच यार ओके सो माइट नॉट बी पॉसिबल सम पीपल से तो मैक्सिमम तो छोड़ तो प्रैक्टिकल निकाल फिर तो प्रैक्टिकल तो बात करते हैं फिर आई स्टार्ट टू थिंक साल के ना 365 डेज 52 तो संडेज विल गो फैक्ट्री विल बी क्लोज इंडिया इज नोन फॉर पब्लिक हॉलीडेज अभी अभी 5 दिन का छुट्टी गया था माइनस सपोज पूरे साल के ना 50 पब्लिक हॉलीडेज और आएगा ओके तो इतने डेज फैक्ट्री विल ओपन आउट ऑफ 8 आवर्स सपोज 2 आवर्स लंच ब्रेक वगैरह इज देयर सो देयरफॉर वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर 6 अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो मैंने 100 यूनिट्स पर आवर लिखा था ना दिस आई वॉज थिंकिंग माई वर्कर्स आर एक्सिलेंट इन रियलिटी दोज गाइज आर थर्ड क्लास पीपल आई ट्राई टू थिंक कि वो लोग 90 यूनिट्स पर आवर से ज्यादा वो लोग बना ही नहीं सकता दिस इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी ओके प्रैक्टिकल मतलब समथिंग दैट यू कैन डू ओके ये तो सपने वाली बात ये तो बस वो फेंकने वाली बात हाँ मैं चाहूं तो इतना वो बना लेकिन सच्ची कहना नहीं हो सकता हाँ इतना कर सकते हो ओके दिस इज स्टिल अ रीजनेबल एस्टिमेट मैंने ये वाले नंबर्स कभी कंप्यूट नहीं किए सपोज ये वाला आंसर 1,00,000 आया वो जो मर्जी आता है तो वो जाने दो सपोज ये आंसर 60,000 आता है ओके अगर मैं चाहूं तो मेरे को एक फिल इन द ब्लैंक्स तो करके दो अभी अभी अगर मैं चाहूं तो मैं एक साल के अंदर कितना यूनिट्स बना सकता हूं तुम लोग 1,00,000 बोलेगा कि 60,000 शायद 1,00,000 तो बन भी नहीं सकता ठीक है लेकिन आई विश टू मेक ओनली 50,000 यूनिट्स इन दिस पर्टिकुलर को बोलते सर कम क्यों बनाना है डिमांड ही नहीं है तो ज्यादा बना के फिर करूं क्या ओके दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल कैपेसिटी नॉर्मल व्हाट इज नॉर्मल इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल दैट यू विश टू अचीव बस बात खत्म हो गई ओके दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू दिस इज समथिंग दैट यू विश टू डू ओके तो एक हो जाता है मैक्स कैपेसिटी एक हो जाता है प्रैक्टिकल एक हो जाता है नॉर्मल अब मेरे को जरा बोलना मेरे को किसी ने बोला एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के दो सर मैंने बोला ठीक है मेरे को बता कि फिक्स्चरर्स का खर्चा कितना होगा बोलता इस साल फिक्स्चरर्स का खर्चा सपोज 5,00,000 रुपए का होगा मेरे को अब जरा बोलो ये BOH हो गया मेरे को बोलो BLA के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है 1,00,000 लिखने का मन है 60 लिखने का मन है कि 50,000 लिखने का मन है तीन में से एक ही नंबर बोलना बस बोलो 50,000 ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज स्टार्ट टू थिंक इन दिस पर्टिकुलर केस इस साल का फिक्स्चरर्स का खर्चा 5,00,000 इस साल मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा हाँ अगर चाहता लेकिन मैं चाहता ही नहीं ओके आई ओनली वांट टू बी मेकिंग कितना यूनिट्स यार 50,000 सो एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज बेस्ड अपॉन विच कैपेसिटी नॉर्मल अगर कभी भी क्वेश्चन के नॉर्मल अलग से नहीं दिया हुआ यू कैन बी सेइंग प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल आर सेम लेकिन अगर अलग से दिया हुआ है यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन नॉर्मल कैपेसिटी तो क्वेश्चन के अंदर एक लाइन दिया हुआ है द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज कितना यूनिट्स यार 800 तो इधर आओ डिनोमिनेटर के अंदर लिख के रखो 800
तो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा 200 पर यूनिट. अच्छा एक काम जरा करो, पेज नंबर 3.30 पे आओ इन योर टेक्स्ट बुक. वहां पे मेरी पर्सनल हैंड राइटिंग के अंदर कुछ ना कुछ वो लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो. पॉइंट नंबर 6, 7, 8 एंड 9. पॉइंट नंबर 6, पेज नंबर 3.30. तो मैक्सिमम और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी विदाउट कंसिडरिंग हॉलीडेज और लॉस ऑफ टाइम. पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी आफ्टर कंसिडरिंग हॉलीडेज एंड लॉस ऑफ टाइम. 8th, although practical capacity is a capacity a company can use, normal capacity is a capacity a company wishes to use. Absorption rates are based, sorry, are usually calculated in reference to, वहाँ पे 6 fill in the blanks है, लिख देना, NORMAL, in reference to normal capacity. Point number 9 के अंदर. अच्छा सुनो, एक example दे रहा हूँ ताकि बस याद रहे कि ये तीन चीजें क्या होता है. सपोज इफ समबडी विल आस्क मी, सर आप अपना मैक्सिमम प्रैक्टिकल और नॉर्मल कैपेसिटी बताओ. मैं बोलता हूँ चल ठीक है, मैंने आज कॉस्टिंग स्टार्ट किया, अराउंड वो 230 घंटे का काम है. मैक्स कैपेसिटी नेक्स्ट 10 डेज, कम फॉर 24 आवर्स अ डे, 10 डेज योर पोर्शन इज ओवर. ओके दैट इज मैक्स. उसके बाद तुम लोग तो पता नहीं कि वो तुम्हारे साथ क्या होएगा, मैं तो पक्का ऊपर गया. आगे जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है, प्रैक्टिकल अभी ये तो फेंकने वाली बात होगी, फ्रेंकली इट इज नॉट पॉसिबल. ओके सो प्रैक्टिकल, ओके से समथिंग जो लगे कि तू फेंक नहीं रहा है. ओके सो देयरफॉर इफ आई वांट आई कैन टेक योर लेक्चर्स फॉर 12 आवर्स अ डे, उतनी तो मेरी हिम्मत है. शायद कभी कोई टाइम ऐसा वो आ जाए दैट आई हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग, बट आई वॉन्ट टू टेक योर लेक्चर्स ओनली फॉर 3 आवर्स. ओके दैट इज नथिंग बट नॉर्मल कैपेसिटी. ओके तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं करना चाहता हूँ. ओके सो एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज बेस्ड अपॉन विच कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी. ठीक है सो दिस थिंग इज डन. तो सुनो, ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है 200 पर यूनिट, इसका मतलब क्या होता है, वेन एवर द कंपनी विल एक्चुअली प्रोड्यूस 1 यूनिट, चार्ज 200 रुपीज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब मेरे को जरा बोलो, हम लोगों ने इस क्वार्टर के अंदर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, मेरे को एक नंबर बोलो. 220. तो अपनी कॉस्ट शीट के अंदर आओ फिर. तो यहां पर वी ऑल आर राइटिंग, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट. तो जब भी एक यूनिट बनेगा 200 रुपया एब्जॉर्ब कर लो. सच्ची के अंदर कितना यूनिट्स बन गया है, 220. क्या सी लो, 220 इंटू 200, 44,000. अच्छा सुनो, यूजली आईसीए के सम्स के अंदर दे विल टेल यू हाउ टू ट्रीट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, यूजली. ओके इन दिस क्वेश्चन दैट थिंग आई हैव नॉट पुट, तो इट इज आर ऑप्शन. अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास प्रिडोमिनेंटली 3 मेथड्स हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स या सप्लीमेंट्री. तीनों कहने से वट एवर यू वुड लाइक टू यू कैन फॉलो, बट देन लेट्स फाइंड आउट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट. वर्किंग नोट 3 लिखो. Calculation of under slash over absorption. चलो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा दो चीजों की जरूरत पड़ जाएगी, तो लिखो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट नेक्स्ट साइन पे लिखो लेस एक्चुअल अमाउंट. तो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट अभी अभी तो कॉस्ट शीट के अंदर लिखा यार, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कितने रुपीज का था, 44,000.
माइनस सुनो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्चुअल अमाउंट तुम्हारे वर्किंग नोट वन के अंदर था शायद एक्चुअल के अंदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा कितने रुपीस का हो गया 50,000 तो 6,000 रुपीस एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम है दिस विल बी नथिंग बट अंडर एब्जॉर्प्शन वर्किंग नोट फोर लिखो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर / ओवर एब्सॉर्प्शन अच्छा सुनो अभी सामने आपने को कुछ नहीं बोला यू हैव थ्री ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स या सप्लीमेंट्री मेथड मैं तुमको तीन मेथड्स बस वो बता देता हूँ यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देम अगर कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो करोगे तो एक सेकेंड तुम लोग ऑलरेडी कौन सा अमाउंट लिख चुके हो 44,000 एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखना फर्स्ट अमाउंट दैट ऑलवेज कम्स इन योर कॉस्ट शीट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट क्यों इट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दैट्स वाई ओके तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रिंसिपली वही काम करता है कि जब आप एक यूनिट बनाओगे 200 रुपया चार्ज कर दो ओके तो ऐसा कर बरा के अपना एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तो आ गया अभी 6,000 एंड में पता चल गया तो कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट पीरियड अगर मेरे को कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो करना है तो बस कॉस्ट शीट के अंदर अभी किधर भी 6,000 नहीं आएगा दैट गेट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड सेकेंड अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड फॉलो करना है तो जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स नीचे किधर वो निकालोगे उससे पहले बस लिख देना एड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने रुपीज का 6,000 अगर सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो करना है सप्लीमेंट्री मेथड क्या बोलता है जिधर जिधर आपका एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आया उधर उधर आप अपना अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी डाल दो ओके नाउ माय पर्सनल सजेशन आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना कैरी फॉरवर्ड मेथड मत फॉलो वो किया करो रीजन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वैसे भी घटिया है वो तुमको थोड़ी देर के ना पता वो चल जाएगा अगर तुम लोग कैरी फॉरवर्ड मेथड वो फॉलो करोगे देन एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर विल गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर बिकम मोर घटिया ओके सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन फॉलो एनी ऑफ दिस टू इन योर आईपीसीसी यू माइट हैव बीन टोल्ड दिस इज द बेस्ट मेथड ओके इन एनी केस इट्स अ चॉइस व्हाटएवर यू वांट टू फॉलो सी दैट फॉर दिस क्वेश्चन आई एम फॉलोइंग सी सप्लीमेंट्री मेथड ओके लिखो जरा प्लीज वर्किंग नोट फोर ट्रीटमेंट ऑफ अंडर / ओवर एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट सेंटेंस लिखो In absence of information, comma, we assume that company follows supplementary method for treatment of under absorption तो एक काम जरा करते हैं जिधर जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट उधर उधर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन तो इधर आ जाओ यहां पे लिख लेना अंडर एब्जॉर्प्शन तो अंडर एब्जॉर्प्शन कितने रुपीस का आ जाएगा 6,000 कैलसी लो 6,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस 220 27.27 अच्छा इसके ऊपर एक एस्ट्रिक डाल के किधर नोटबुक्स में टेरेस पे लिख के रखो तो टेरेस मतलब जो ऊपर वाला जो एरिया होता है वहां पे वो लिख के रखो ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री रेट ये जो 27.27 है आईपीसीसी के अंदर तुमने उसको सप्लीमेंट्री रेट बोल देते थे ऑल्सो कॉल्ड एज किधर भी बस वो लिख के रखो ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री रेट
चलो दिस नाउ विल बी एड्रेस्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट. तो यहां पे आइए, यहां पे लिखिए फैक्ट्री कॉस्ट. तो 1,84,800 प्लस 44 प्लस 6 234,800. अच्छा सुनो, दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द क्वांटिटी दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड. यू हैव प्रोड्यूस्ड 220 यूनिट्स. तो यहां पे लिख के रख लेना 220 यूनिट्स. उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. दिस गिव्स यू कॉस्ट शीट. कहना इस चीज को बेटा क्या बोल देता है, COGS. यार रखना एडमिन S&D के साथ जाएगा, इट्स कॉस्टिंग आउटसाइड इंडिया, वो हम लोग लिख चुका है. अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शोज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड. तो यहाँ पे आप लोग लिख के रखो 160 यूनिट्स. जो यूनिट्स बिका है दोज आर 160 यूनिट्स. अच्छा एक मिनट, पूरे साल का कॉस्ट शीट हम लोग नहीं बनाता, फर्स्ट क्वार्टर का बनाता है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर विल ऑल्सो बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ द क्वार्टर. तो सम का रिक्वायर्ड पार्ट के ऊपर वाला लाइन, देयर वर 20 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट क्वार्टर. आगे डिटेल्स दिया हुआ है, बट ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर ऑल्सो. तो यहाँ पे लिख सकते हो 20 यूनिट्स. ये यूनिट्स का डेटा मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मिल जाए. तो स्क्रीन पे देख लो, 20 शुरू में था, 220 और बनाया, इल बिकम 240, 160 बेच दिया. तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पर कितने यूनिट्स का हो जाएगा, 80 यूनिट्स. अच्छा मेरी बात सुनो, IPCC first question ever that you all have might have done of cost sheet. तो सुनो, by default I follow FIFO method. तो opening stock बिक गया, closing stock will be out of current year का production. But current year का production cost is 1067.27. So closing stock will be out of this only. Therefore closing stock will get valued at, लिख के रखो 1067.27. कैलसी लो, 1067.27 इंटू कितना यूनिट्स, 80 यूनिट्स. आई एम राउंडिंग इट ऑफ नाउ, दैट्स 85382. यहां पर वर्किंग नोट 4 लिख के रखिए, देखो वी हैव फॉलोड ये 1067.27 के आगे वर्किंग नोट 4, और वर्किंग नोट 4 लिखो, वर्किंग नोट 5 है क्या, वर्किंग नोट 5 लिखो. वी हैव फॉलोड फीफो मेथड फॉर valuation of closing stock. चलो सुनो, अभी एक लाइन बोलता हूं, देखो वो समझ में आता है कि नहीं. जस्ट एज करंट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट ईयर्स फैक्ट्री कॉस्ट, लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक वुड हैव बीन वैल्यूड एट लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट. जो आपके पास नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो कुछ ना कुछ अजम्पशन मारेंगे.
wo assumptions I want you all to think, what would you like to assume? So we'll do that thing after 2 or 3 minutes. Pehle baki cheeze jo hai complete kar lete hain. To likho add administration / S&D overheads. तो एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड. तो तुम्हारा वर्किंग नोट वन के अंदर सब कुछ है तुम्हारे पास. वेरिएबल एडमिन एंड एसएनडी पर यूनिट कितना लग गया 420. जो तुम्हारा फिक्स्ड एडमिन एंड एसएनडी है वो कितना लग गया 75,000. सुनो एक रूल याद रखना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली अप्लाइज टू दोज फिक्स्ड ओवरहेड्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन. जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होता है उसका पहले एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है. जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई ही नहीं होता है उसका तो डायरेक्टली एक्चुअल अमाउंट ही आएगा क्योंकि उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली डज नॉट अप्लाई. तो यहां पर कभी एब्जॉर्ब्ड अमाउंट और आगे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं लिखना. तुम लोगों ने पिछले पेज पे फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 वो लिखा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली अप्लाइज टू दोज फिक्स्ड ओवरहेड्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए आई विल हैव एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, एब्जॉर्प्शन रेट, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रीटमेंट. ओके, बाकी चीजों के लिए डायरेक्टली एक्चुअल अमाउंट ही लिखा जाता है हमेशा. ठीक है, एक काम जरा करो, 420 मेरे को बोलो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड. सो 420 इंटू 160 यूनिट्स दैट हैव बीन सोल्ड 67,200. 75,000 डिवाइडेड बाय 160, 468.75. टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स वो अभी ला नहीं सकते क्योंकि अपने पास ओपनिंग स्टॉक का फिगर नहीं है, तो बस लिख के वो रख दो, दैट्स ओके. कॉस्ट ऑफ सेल्स एट प्रॉफिट गेट सेल्स. इन दिस पर्टिकुलर केस जो आपका सेल्स है, आपका सेलिंग प्राइस जरा चेक करो, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो यहां पर कितने रुपीस का था बेटा, 2200 लिखिए इधर. तो 2200 इंटू 160, 3,52,000. बस सुनो, अब ये सब चीजों के लिए एक लास्ट वर्किंग नोट वो आ जाएगा, दैट इज फॉर ओपनिंग स्टॉक. तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर, ये वर्किंग नोट नंबर 5 था ना, तो अभी लिखो वर्किंग नोट नंबर 6. राइट डाउन वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक. अच्छा मेरी बात सुनो, देखो अभी इन दिस पर्टिकुलर केस, देखो जस्ट एज करंट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट ईयर्स फैक्ट्री कॉस्ट, लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट. अभी इसी के साथ एक और लाइन भी बोल रहा हूँ, जस्ट एज करंट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक गेट्स वैल्यूड एट करंट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट एंड करंट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन रेट एंड अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का रेट. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज 3 थिंग्स बट ऑब्वियसली फिगर्स ऑफ लास्ट ईयर विच ऑफकोर्स आई डोंट हैव इन द क्वेश्चन. तो आई हैव वन वन अजम्पशन फॉर ईच वन ऑफ देम. इसके लिए एक अजम्पशन मार रहा हूँ, इसके लिए एक अजम्पशन मार रहा हूँ, इसके लिए एक अजम्पशन मार रहा हूँ फॉर द लास्ट ईयर. ओके, फर्स्ट आई अज्यूम लास्ट ईयर का एब्जॉर्प्शन, सॉरी लास्ट ईयर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज 800 रुपीज ओनली. इस साल भी जरा याद करो कितना होना चाहिए था, 800, वो तो बढ़ के 840 हो गया था. आई अज्यूम कि लास्ट ईयर 800 ही था. यू कैन अज्यूम एनी ऑल्टरनेट थिंग, दैट्स ऑल ओके बाई मी. फर्स्ट अजम्पशन. सेकेंड, आई अज्यूम लास्ट ईयर का एब्जॉर्प्शन रेट 200 रुपये था. अभी और क्या अज्यूम करूँ यार.
ओके थर्ड, अभी आई वॉन्ट समबडी टू टेल मी, मेरे को ना इधर निल लिखने का मन कर रहा है, लेकिन निल लिखने के लिए बिना मेरे पास तीन अजम्पशंस का ऑप्शन है. फर्स्ट, आई अज्यूम लास्ट ईयर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन वॉज जीरो, तो चलो फिर तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन था ही नहीं, तो इन एनी केस वो वाला फिगर तो जीरो आ जाएगा. या फिर अगर था भी तो तुम लोग दो चीजें अभी बोलो, ईदर आई हैड, बोलो 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 बोलो, कैरी फॉरवर्ड माई ओवर हेड्स और आई हैड एडजस्टेड देम इन कॉस्ट ऑफ सेल. जरा सोचो, लास्ट ईयर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन था, चलो था तो मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था. अगर कैरी फॉरवर्ड किया था, इसके ना किसी को एक डाउट आएगा मन के अंदर, वो डाउट रखो, आई आंसर दैट इन जस्ट अ वाइल. तो इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे को देखो यहाँ पे ना निल लिखने का है वो जबरदस्ती, क्योंकि मेरा मन कर रहा है. ओके तो अगर निल लिखने का है तो इधर आई अज्यूम लास्ट ईयर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन वाज जीरो, या फिर अगर था भी तो आई अज्यूम कि कंपनी ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था. अगर कैरी फॉरवर्ड किया था मतलब लास्ट ईयर इधर तो कुछ नहीं आया था. ओके तो मेरे को वही चाहिए कि उधर कुछ ना आए. या फिर कंपनी ने उसको किधर ट्रांसफर कर दिया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स. अगर कंपनी ने उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी ट्रांसफर किया था, एटलीस्ट दैट विल नॉट अफेक्ट माई स्टॉक का वैल्यूएशन, नो फॉर श्योर. सो अकॉर्डिंगली ओपनिंग स्टॉक देन विल बी गेटिंग वैल्यूड एट वॉट अमाउंट यार, 800 प्लस 200 प्लस जीरो, तो मतलब ओपनिंग स्टॉक विल बी गेटिंग वैल्यूड एट कितना रुपीज यार, 1000. अच्छा, किसी को एक डाउट आया, पहले वो डाउट मेरे को पूछो, मेरे को वो सुनने का डाउट. तुमको एक डाउट आना चाहिए था. कोई बोल सकता है सर अगर आपने कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो किया तो मतलब आप क्या बोल रहे हो, लास्ट ईयर का ओवरहेड्स यू विल ट्रांसफर टू दिस ईयर. ओके तो सर ये वाला कॉशी तो इसी साल का है ना सर, अगर ये वाला कॉस्ट शीट जो है इसी साल का है तो फिर इस साल तो वो आना चाहिए. तुमको डाउट समझा, एक मिनट. तुम लोग क्या बोलते हैं, सर लास्ट ईयर हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया, तो कैरी फॉरवर्ड किया फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, सो दिस इज कॉस्ट शीट ऑफ दिस ईयर ओनली नो, तो इस साल के अंदर तो वो आना चाहिए. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आई एम आंसरिंग टू द डाउट नाउ, ऐसा जरूरी नहीं है. इफ यू कैरी फॉरवर्ड समथिंग फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, यू हैव टू एडजस्ट दैट इन दिस ईयर. आई अगेन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम दिस ईयर टू द नेक्स्ट ईयर. इनफैक्ट तुम लोग इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल के अंदर जरा याद करो, हर क्वेश्चन के ना ऐसे ही करते थे. अगर शुरू में फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस होता था तो योर फैकल्टी कुड हैव टोल्ड यू, मतलब इट इज कंपनीज पॉलिसी टू कैरी फॉरवर्ड. देन एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल्सो आप लोग उसको कैरी फॉरवर्ड ही तो वो कर लेते थे. ओके सो आई कंप्लीट माई अजम्पशंस नाउ. आई अज्यूम, ध्यान से सुनो, दिस अ फाइनल लिस्ट नाउ. आई अज्यूम लास्ट ईयर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 800 रुपए था, आई अज्यूम एब्जॉर्प्शन 200 रुपए था. इधर आई अज्यूम लास्ट ईयर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं था, और अगर था भी तो या कंपनी ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था, अंडर विच आई फर्दर अज्यूम दैट कि कैरी फॉरवर्ड करके आगे बोलो इस साल एडजस्ट नहीं किया, ठीक है, या फिर कंपनी ने कौन सा मेथड फॉलो कर लिया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स. एंड अकॉर्डिंगली ओपनिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट दिस प्लस निल. सो देयरफॉर यहां पे पहले लिख देना 1000, पहले कॉस्ट शीट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद विल फिल इन द अजम्पशंस. तो 1000 × 20, 20,000, 234,800 प्लस 20,000 प्लस 85,382, सॉरी माइनस 35,382, एक मिनट, 234,800 प्लस 20,000 लेस 85,382, 169,418. अगर पर यूनिट निकालने का मन कर रहा है तो मैं तुमको बोल रहा हूं प्लीज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, वरना पर यूनिट अभी नहीं भी निकालोगे तो भी वो चल जाएगा, इट्स ओनली अ फॉर्मेट एंड नथिंग एल्स. प्लस 67,200 प्लस 75,000 311,618 माइनस 3,52,000 40,382, प्लीज डिवाइड बाई क्वांटिटी सोल्ड.
अच्छा तो सुनो, वर्किंग नोट सिक्स अपना कंप्लीट करना स्टार्ट करो. वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट लाइन भी लिखो, वी अज्यूम द फॉलोइंग. About the last year. Next time we'll go first. Variable production cost was 800 per unit. Second, absorption rate was rupees 200. Third, either there was no under slash over absorption, in the last year. Or, even if it was there, comma, company had either carried it forward aage brackets mein likhna and further it was not adjusted in current quarter. Bracket close. Or adjusted in cost of sales. Next line pe, accordingly, opening stock has been valued. At ₹800 plus ₹200 plus 1000. Sorry, ₹800 plus ₹200 plus nil is equal to 1000. Johnson. See, now this is absorption costing that is all done by me. Okay, dekho. Abhi something has to be faulty. And that is why we have to be shifting to marginal costing. So, ek-ek karke, I'm just trying to find out faults. For one big fault, there is one 16 mark ka ek famous question that comes. This question also, if it comes, is 16 marks ka aayega waise question. Okay, so, in this case, no, main tumko flaws abhi start kar raha hun batana. So, no, first, sir, fixed overheads became a per unit cost. Zara socho, fixed overheads per unit nahi hota, it's a lump sum figure. कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड्स दिमाग में आएगा तो ऐसा ही आएगा, सर इस साल का फिक्स्ड ओवरहेड्स इतना लगेगा. सर एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल स्टार्ट टू थिंक इस साल का फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना लग गया. फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट करके क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स इज अ लम सम फिगर. तो 800 के बदले में 900 यूनिट भी बनाता तो भी बेटा तेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स उतना ही रहता. ओके, जब भी कोई कॉस्ट पर यूनिट है ही नहीं, तेरे को उसको जबरदस्ती पर यूनिट क्यों बनाने का है. एग्जाम्पल के तौर पर जरा सोचो. Some people start to think like this. Sir, costing ka fees itna hai. Aap humko itne hours ke liye to wo padhaoge. So therefore, this is the fees that we are paying per hour. Ye phaltu cheez hai. Wo kabhi wo sochne ka hi nahi. If you will miss one lecture, will I give you the refund of this much into the number of hours that you have missed? No. Okay. Jabhi koi cost per hour hai hi nahi, to usko per hour kyun sochta hai? These are fixed costs. Fixed costs are lump sum costs. Textbook page number 1.2. Fixed overheads treated as absorption costing में लिखो. Question number 9.
fixed overheads treated as, likho product cost. Fixed overheads treated as absorption costing में लिखो product cost. सुनो अभी ये जो accountants हैं ना जिन लोगों ने absorption costing का technique बनाया, इन लोगों ने absorption costing in fact इसी चीज के लिए तो निकाला था कि यार fixed overheads is a lump sum figure, उसको per unit बनाकर वो छोड़ेंगे. We criticize their intention also. Okay, how dare you start to think all such nonsense things when sum cost is not per unit, तो तुम उसको per unit क्यों सोचते हो? That is first thing. Second, फिर भी अगर सोचते हो, चलो सोचा तो सोचा, लेकिन उसके बाद इसकी वजह से क्या क्या गलतियां हो गई, अभी दिस विल टेस्ट योर अकाउंट्स आल्सो. ओके, देखो मैंने क्या किया, मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स इधर लिखा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितने रुपीस का लिखा यार, 50,000. कैलसी लो जरा, 50,000 आई एब्जॉर्ब्ड ओवर कितना यूनिट्स, 220. तो 50,000 अपॉन 220 करो, वैसे वो इसी का टोटल आएगा 227.27. लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने इधर 50,000 तो लिख दिया, कैन यू से 50,000 इज योर फिक्स्ड कॉस्ट फॉर दिस ईयर, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, इट गॉट एब्जॉर्ब्ड ओवर कितना यूनिट्स, 220. वर 220 यूनिट्स एक्चुअली सोल्ड? नो. तो मतलब जितना यूनिट्स अनसोल्ड रहा ना, उतना प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स तेरा स्टॉक के अंदर चला जाएगा, तो वो राइट ऑफ नहीं होगा. कैलसी लो 227.27 जो कैलसी के ऊपर है, इनटू 80 करो, ये जो भी आंसर आया तुम्हारा 227.2727 वगैरह इनटू 80, ये जो भी आंसर आया तुम्हारा 18182 वगैरह, दिस इज दैट पोर्शन ऑफ 50,000, कोई आगे बोलेगा, विच इन दिस ईयर विल नॉट गेट रिटर्न ऑफ. वाई? क्योंकि वो किधर चला गया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर. अगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर चला गया तो इस साल राइट ऑफ नहीं होएगा, इस साल राइट ऑफ नहीं होएगा तो कभी राइट ऑफ होएगा नेक्स्ट ईयर. मतलब ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिस ऑफ दिस ईयर आर गेटिंग रिटर्न ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर. सर सोचो, लेकिन ये कौन से खर्चे हैं, दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट. बॉस फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो 50,000 है ये तेरा समथिंग लाइक रेंट है, ये तेरा समथिंग लाइक सैलरीज है, दीज आर समथिंग लाइक डेप्रिसिएशन, दीज आर पीरियड कॉस्ट. ओके, अगर वो इस साल के खर्चे हैं तो ये साल खत्म हो गया, इट शुड बी रिटर्न ऑफ. विल एक्सपेंसिस लाइक रेंट गिव यू बेनिफिट इन द नेक्स्ट ईयर? नो. देन हाउ डेयर यू कैरी देम फॉरवर्ड? लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाता है बिकॉज पोर्शन ऑफ दैट थिंग स्टार्ट्स टू गो इनटू स्टॉक. ओके, सो टेक्स्ट बुक सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर नॉट रिटर्न ऑफ. क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर नॉट रिटर्न ऑफ. अभी इसी के वजह से तीसरा, अगर तुम लोग ये बोलते हो सर मेरा प्रॉफिट 40,382 आया, बेटा वो गलत आ गया, क्योंकि इसके अंदर तेरा 18182 रुपीस का जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो तो राइट ऑफ ही नहीं हुआ. अगर तेरा प्रॉफिट्स गलत है, तेरा डिविडेंड्स भी गलत होगा. पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स आर इनकरेक्ट. अच्छा तो सुनो, अभी ध्यान से सुनना, लास्ट थिंग, ये जो लास्ट डिसएडवांटेज है ये अजीब है. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स के ना हैज बीन आस्क्ड अराउंड 8 to 9 टाइम्स. वो लोग क्या पूछता है, देखो तुम्हारा प्रॉफिट कितने रुपीस का था, 40,382, तुम्हारा क्वार्टर खत्म हो गया. फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, आई रिपोर्ट माय क्वार्टरली प्रॉफिट्स टू माय शेयर होल्डर्स, से दैट वी आर अ लिस्टेड कंपनी, तो अपने क्वार्टरली रिपोर्टिंग वो करना पड़ेगा. तो ना मेरे को लगा ये प्रॉफिट बहुत कम है यार, इतना प्रॉफिट अगर मैंने शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर किया ना, वो लोग मेरे को जूते से मारेगा. ओके, माय शेयर प्राइसेस विल क्रैश वगैरह ये वो सबको. देन आई थॉट क्या करें, माय क्वार्टर वाज अबाउट टू बी एंडिंग. ओके, क्वार्टर मतलब दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, नॉट समथिंग एल्स दैट सम पीपल माइट स्टार्ट टू थिंक. ओके, नाउ इन दिस केस नो, द क्वार्टर वॉज अबाउट टू बी एंडिंग. ओके, आई थॉट नाउ सम पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू थिंक दैट ओनली. ओके, नाउ इन दिस केस नो, थॉट यार क्या करें ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए. यूजुअली एक बंदा क्या सोचता है, यार प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए सेल ज़्यादा करो और क्या. अगर मैं अपना यहाँ पर स्टॉक जो 80 यूनिट्स का है बेच सकता हूँ तो प्रॉफिट्स विल स्टार्ट टू गेट रियलाइज्ड, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट विल राइज. लेकिन मेरे को मालूम था और सेल्स इस क्वार्टर के अंदर नहीं हो सकता, तो फिर क्या करूँ. तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आया, आई एम फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर एक चीज होएगा ही होएगा. देखो प्रॉफिट बढ़ाने का है, सेल्स को मार गोली तो प्रोडक्शन बढ़ा, तेरा प्रॉफिट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. ओके,
मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यही क्वेश्चन है, सब कुछ यही है. जरा सोचो, वी ट्राई टू थिंक, लेट्स इंक्रीज आवर प्रोडक्शन फ्रॉम, एक मिनट, इस क्वार्टर के अंदर कितना यूनिट्स वो बना था, 220, ठीक है. सपोज आई स्टार्ट टू थिंक, लेट्स इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, कुछ भी एक हायर फिगर, यू टेक एनी फिगर, प्रॉफिट विल राइज होनी, ऐसा होएगा ही होएगा. एग्जाम्पल, कुछ भी एक नंबर मेरे को बोल दो, आई टेक एनी प्रोडक्शन दैट यू ऑल टेल मी बियॉन्ड दिस. तो कुछ भी एक नंबर बोल दो, चलो 300 आई डू, ओके. तो अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिव्स यू अ इंसेंटिव फॉर ओवर प्रोडक्शन, ऐसा होएगा ही होएगा, बिकॉज द मोमेंट यू विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस मोर, नो योर फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट इन दिस केस पर यूनिट विल स्टार्ट टू फॉल. मेरे को ऐसा ही सोचने का है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बिकम्स पर यूनिट कॉस्ट. अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट विल फॉल. नो, तो देख लेते हैं ये चीज, अभी तुम लोग नहीं सॉल्व करना. सुनो, एग्जाम्स के अंदर अगर कभी भी क्वेश्चन वो आया ना, प्रूव दैट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देयर इज अ इंसेंटिव फॉर ओवर प्रोडक्शन, टेक एनी फिगर्स लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अराइव एट वन पर्टिकुलर प्रॉफिट, इंक्रीज द प्रोडक्शन, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट हैज टू बी मोर देन दिस ओनली, ओके. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉस्टशीट को कॉपी पेस्ट करता हूं. सुनो, इन दिस केस नो, अभी लेट्स फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट. तो एक मिनट, हम लोग अपना जो प्रोडक्शन है कितना वो कर रहे हैं, 300, ये तुम लोग नहीं करना, ओके, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर, ओके. बस अपना कैलसी रखो तो वो अपने पास. तो यहाँ पे दिस थिंग विल बिकम 300, ये जो तुम्हारा प्रोडक्शन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम्हारा सेल्स को तो मैं टच भी नहीं कर सकता, क्लोजिंग स्टॉक जो है इन दिस पर्टिकुलर केस, सो देयरफॉर जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है कितने यूनिट्स का वो हो जाएगा, 160, ठीक है. तो अभी लेट्स ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स वंस मोर, ऑल द नंबर्स वंस मोर, ओके. तो सुनो अभी हाउ द थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज. आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट ऑन एवरी न्यू नंबर, नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर, बट दिस इज आंसर दैट बिग क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर वो आता है, ओके. तो सुनो, अभी 840 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 300, तो कैलसी लो, 840 इंटू 300 कितना आ जाएगा, 2,52,000. एब्जॉर्ब्ड अमाउंट के लिए एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट तो फर्स्ट डे ही निकलेगा. फर्स्ट डे क्या सोचा था, फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितना, 1,60,000. क्या सोचा था, कितने यूनिट्स वो बनाऊंगा फर्स्ट डे पर, 800. तो एब्जॉर्प्शन अभी भी कितना आ जाएगा, 200. जब भी एक यूनिट बनाएगा, 200 रुपये एब्जॉर्ब कर, कितना यूनिट्स वो बना लिया बेटा, 300. सो देयरफॉर 200 इंटू 300 अमाउंट कितना आ जाएगा, 60,000. क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तो आ जाएगा, ओके. अभी तुम्हारा जो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है कितने रुपीज का है, 60,000. लेकिन जरा सोचो, तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट तो बेटा सेम ही रहेगा, ओके. एक्चुअल अमाउंट इज योर रेंटल कॉस्ट, तो जितना मर्जी क्वांटिटी बना, क्या फर्क पड़ता है, ओके. सो देयरफॉर कैन वी से नाउ 10,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट ओवर एब्जॉर्प्शन फॉर यू, ओके. सो देयरफॉर जो पहले मेथड में फॉलो किया था वही कर रहा हूं, बस यहाँ पे अंडर के बदले में अभी क्या आ रहा है, ओवर एब्जॉर्प्शन. कितने रुपीज का आ जाएगा बेटा, 10,000. जरा कैलसी लो, 10,000 डिवाइडेड बाई 300, ये वाला फिगर कितना आ जाएगा, 33.33. ये नेगेटिव फिगर है, ओके. बस अभी 2,52,000 लो ऑन कैलसी, प्लस 60 माइनस 10, सो प्लस 50,000. ये वाला फिगर कितना आ जाएगा, 3,02,000 डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी प्रोड्यूस कितना, 300. तो ये वाला फिगर जो है कितना आ जाएगा, 1,006.67, ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक 1,006.67, ओके, इन टू कितना यूनिट्स यार, 160, दैट्स योर क्लोजिंग स्टॉक. तो 1,610.67 कुछ ऐसा आता है, हाँ करेक्ट. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके लिए मेरा अजम्पशन वही है, सो ओपनिंग स्टॉक विल गेट वैल्यू एट वॉट प्राइस, 1,000. सो देयरफॉर यहाँ पर जो तुम्हारा अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 20,000. बस अभी एक काम बस जरा वो कर लो, एंड यू कैन ट्राई टू टेस्ट द थिंग्स बाय योरसेल्फ आल्सो. ये वाला जो फिगर था 67,200 था, ये तो वो ही रहेगा, ये तो 75,000 ही रहेगा. गेट दिस न्यू फिगर, गेट दिस न्यू प्रॉफिट फिगर, बस. तो ऑटोमेटिकली दैट फिगर हैज टू बी मोर देन 40,382 ओनली. मैंने भी कभी टेस्ट नहीं किया, बस अभी अभी टेस्ट कर देता हूँ. -1,610.67 + 67,200 - 75,000 - 3,52,000 कितना आता है प्रॉफिट तुम्हारा, वो जो भी आता है मेरे ख्याल से 40,382 से ज्यादा ही आता है. ऐसा होएगा ही होएगा, उसका रीजन बहुत सिंपल है, और वो तुमको अभी अभी प्रूव वो करके दे देता हूं. जब तक मैं
इस क्वार्टर के अंदर 220 यूनिट ही बनाता था, तब तक दिस वॉज माई फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. जब मैंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया टू कितना 300, तो ऑटोमेटिकली दिस फिगर विल बी लोअर. अगर तेरा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिर जाएगा, तेरा प्रॉफिट पर यूनिट वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली योर प्रॉफिट्स विल स्टार्ट. बट वी से व्हाट नॉनसेंस इज दिस. ऐसा करोगे दुनिया में एवरी मैन्युफैक्चरर विल ओनली थिंक लेट्स ट्राई टू प्रोड्यूस मोर. ओके, वेयर एज अ बिजनेसमैन यू शुड हैव ओनली वन इंटेंशन, लेट्स ट्राई टू सेल मोर. ओके, सो देयरफॉर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो याद रखना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल गिव यू अ प्रोडक्ट, विल गिव यू अ इंसेंटिव फॉर ओवर प्रोडक्शन. पॉइंट नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रॉफिट इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस. अच्छा, एक दो और चीजें ना लिख के वो रख लो. स्टॉक्स आर वैल्यूड एट, जरा टेक्सटबुक में अपना कोई भी फिगर स्टॉक का देख सकते हो. एग्जांपल एक क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जब वैल्यू किया 1067.27, वो इस प्राइस के ऊपर किया. इसके ना वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया और फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया. तो वहां पे लिख के रखो स्टॉक्स वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट. उसके ना वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाता है. बाकी दो पॉइंट्स थोड़ी देर के बाद वो देख लेते हैं. सुनो, तुम्हारे लास्ट वर्किंग नोट के बाद ये चीज वो लिख के रखना. यू ऑल राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. लिखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सफर्स फ्रॉम वन मेजर ड्रॉबैक एंड दैट इज it gives an incentive for overproduction because as soon as production rises, fixed cost per unit falls. And profit per unit will start to rise. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट टू डू मार्जिनल कॉस्टिंग. सो योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज ओवर. यू विल राइट ऑन सेकंड. वी आर अगेन मेकिंग अ कॉस्ट शीट बट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. तो लिखो जरा प्लीज कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर. कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर. Under marginal costing. Next time पे एक और बार वो quantities का data लिख के रखना. Quantity produced of finished goods 220 units. Quantity sold of finished goods 160 units. टोटल पर यूनिट. सुनो, अभी थोड़ा सा कॉस्ट शीट अपना वो छोटा तो वो बनेगा, क्योंकि फ्यू थिंग्स दैट वी ऑल हैव वो रिटन बिफोर. आई एम नॉट गोइंग टू बी राइटिंग वंस मोर. ये सब कुछ वो सेम ही रहेगा. लेट्स स्टार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे अभी जरा लिखिए, राइट डाउन वेरिएबल कॉस्ट
production cost per unit 840 tha, and this is 184,800. Acha, sir, dekho. तुम्हारा ये वाला जो कॉस्ट शीट था एज कम्पेयर टू दैट कॉस्ट शीट, ये तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का था. अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर चार बड़े ड्रॉबैक्स हैं जो आप लोग पेज नंबर 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 9 में लिख चुके हो. क्या क्या? फर्स्ट, सर फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट बन गया, सर नहीं बनना चाहिए था. सर फिक्स्ड ओवरहेड्स राइट ऑफ ही नहीं होता, सर राइट ऑफ तो होना चाहिए क्योंकि वो इस साल का खर्चा था, दिस ईयर इज ओवर, राइट ऑफ होना चाहिए. थर्ड, सर प्रॉफिट आपने गलत दिखाया, बराबर है. लास्टली सर मोर द प्रोडक्शन मोर विल बी द प्रॉफिट्स, ओके ऐसा नहीं होना चाहिए सर, मोर द सेल्स शुड बी मोर प्रॉफिट. अभी क्या है ना, दीज फोर थिंग्स फ्रैंकली आर सो मच इंटरलिंक्ड. अगर तुम लोग एक भी चीज ठीक करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा. जरा सोचो, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट बनता है, पर यूनिट बनता है तो स्टॉक के अंदर जाता है, स्टॉक के अंदर जाता है तो राइट ऑफ नहीं होता, राइट ऑफ नहीं होता तो प्रॉफिट्स गलत आता है. और अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट बनता है तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा पर यूनिट कॉस्ट विल फॉल. ओके, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा, आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी करेक्ट. आई स्टिल थिंक फिक्स्ड ओवरहेड्स शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज विच कॉस्ट यार, पीरियड कॉस्ट. आई स्टिल थिंक अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट इस पीरियड का था, इन दिस पीरियड इज ओवर, फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी रिटर्न ऑफ. सर प्रॉफिट तो करेक्ट ही आना चाहिए ना सर. एंड सर नॉर्मल फंड ऑफ बिजनेस वी शुड ऑलवेज ओबे. सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बात है, बिजनेस भी तो सर वो चलाने का है. और सर बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना कि मोर द सेल्स मोर विल बी द प्रॉफिट. ओके, तो अभी क्या करो, ये चारों में से कोई भी एक चीज अपने दिमाग में वो बिठा लो कि वो करने का है. जो भी तुम्हारे दिमाग में आएगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग है. सपोज 1, 2, 3, 4 मेरा लकी नंबर 2, कुछ भी कुछ भी. ओके, इन दिस केस नो, फिक्स्ड कॉस्ट राइट ऑफ नहीं होता, ठीक है. तो अभी तुम्हारा कॉस्ट शीट है, तुम्हारा हाथ है, तुम राइट ऑफ करो उसको और क्या. ओके, अगर मैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000 rupees इधर ही लिखता रहता हूँ तो वो राइट ऑफ ही नहीं होता. राइट ऑफ ही नहीं होता क्योंकि वो स्टॉक के अंदर चला जाएगा. तो तू इसका पोजिशन बदल फिर और क्या, इसको ऐसी जगह पे ले कि वो राइट ऑफ हो जाए. आई एम आस्किंग योर ओपिनियन नाउ, मेरे को बोलो मैं 50,000 rupees किधर लिखूं ताकि वो राइट ऑफ हो जाए. बोलो, COGS के बाद किधर भी लिख दो तो वो स्टॉक के अंदर नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल गेट रिटर्न ऑफ. बस दैट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग लेट डाउन ओनली वन प्रिंसिपल, इस क्वार्टर का फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स बेटा कितने रुपीस का था, 50,000. दिस ईयर इज ओवर, नो द बेनिफिट ऑफ 50,000 इज ओवर, यू राइट इट ऑफ एंड फिनिश इट ऑफ. वी आर एग्जैक्टली मेकिंग दैट कॉस्ट शीट, और देख लेना उस कॉस्ट शीट का कोई डिसएडवांटेज नहीं रहने वाला, दैट इज ऑल फुली करेक्ट कॉस्ट शीट. तो अभी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आगे लिख देना स्लैश फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स तो नीचे चला जाएगा. ऑब्वियसली दिस इज द कॉस्ट फॉर 220 units. एड एक मिनट, पिछला कॉस्ट शीट वो देखते रहो एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर दिस. अभी फिक्स्ड ओवरहेड्स तो चला गया तो यही तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट है. तो अभी यहां पे डायरेक्टली क्या एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. लेस क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. उसके बाद क्या आ जाएगा, COGS. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20 यूनिट्स का है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 80 यूनिट्स का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी द कॉस्ट फॉर 160 यूनिट्स. अब तुमको मेरे को दो नंबर बोलना है बेस्ड अपॉन वॉट एवर यू ऑल हैव लर्न्ड विद मी. सोच समझ के बोलना, इजी काम पहले, उसके लिए कोई अजम्पशन भी नहीं, कोई वर्किंग नोट भी नहीं. अजम्पशन अगर है तो पहले मार चुके हैं. मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट, नंबर बोलो 840, लिखो 840 फीफो मेथड, नो 840 × 80 67,200. फिर
सोच समझ के बोलना मेरे को. कोई भी assumption है that you all have made before, if there is an assumption. मेरे को बोलो opening stock will get valued at, एक ही number बोलना. पहले मेरे को बोलो कौन सा working note सोच रहे हो. working note का number बोलो मेरे को. working note 6. working note 6 अगर ध्यान से देखोगे उधर तीन assumption था, लेकिन मेरे को तीन assumption अभी चाहिए नहीं. मेरे को बोलो तीनों के अंदर से सिर्फ कौन सा assumption चाहिए, first वाला. बाकी second and third speaks about fixed storage. वहीं से भी fixed storage will not enter your stock, no, no. Okay. So based upon the first assumption, opening stock will get valued at 800. तो this figure will be nothing but 16,000. तो 184,800 plus 16,000 less 67,200. 133,600. अच्छा, उसके बाद बिगेस्ट चेंज, कोई कलर्ड पेन है तो कलर्ड पेन यूज कर लेना. लिखो एड फिक्स्ड फैक्ट्री overheads. सुनो, अभी absorption costing है ही नहीं, absorption rate कुछ होता ही नहीं, absorbed amount कुछ होता ही नहीं, under या over absorption कुछ होता ही नहीं. क्वार्टर खत्म होएगा, तेरे पास एक ही अमाउंट आएगा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का. वो कौन सा अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट लिख के राइट ऑफ कर, काम खत्म कर. 50,000 एड एडमिन स्लैश एसएनडी, ये तो आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो फ्रॉम द प्रीवियस कॉस्ट शीट. वेरिएबल फिक्स्ड, सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड था, 75,000 था पर यूनिट, 420, 468.75 कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट गेट सेल्स 2,200, 3,52,000. So 133,600 plus 50,000 plus 67,200 plus 75,000, 325,800 minus 3,52,26,200. अगर पर यूनिट निकालने का मन कर रहा है तो, अगर सिर्फ फॉर्मेट कंप्लीट कर रहे हैं, Please divide all these things by quantity sold. मैं वो mandatory नहीं करता क्योंकि कई लोग को बुरा वो लग जाता है, सर fixtures फिर से per unit तो बन ही गया ना, तो अभी फिर वो तुम्हारी मर्जी. It is just a format and nothing else. अगर format complete करने का मन है तो please divide by quantity sold, वरना नहीं भी करोगे I'm all okay with that. So 133,600 divided by 160 units. ये 835 आता है क्या? ठीक है, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता तो मैं डिवाइड वो कर ही लेता हूं. 312.5 ये कर लो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो. चलो सुनो, पेज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 9, पांच चीजें लिख के वो रखते हैं. पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स ट्रीटेड एज, कंप्लीट करते रहो लिखते रहो. पीरियड कॉस्ट, सेकंड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रिटन ऑफ,
Third, profits and dividends are correct. Fourth, profit increases when sales increases. Fifth, help me to complete, stocks are valued at variable cost. Fixed chore hai, so bhi write off ho jayega. Acha, pehle part third pe aao, 6 aur 7 uske baad complete karte hain. Why there is a difference to answers between A and B. If they ask you ki dono profits ke na farak kyun hai, to yahan pe zara likho, this is part C of the question. Part A is done, ye part B tha. अभी पार्ट सी कर रहे हैं. लिखो रिकंसिलिएशन. सुनो, कोई भी एक प्रॉफिट फिगर से स्टार्ट कर लो, टॉक ऑफ द डिफरेंस, दूसरे प्रॉफिट फिगर तक पहुंच जाओगे. एट रैंडम से दैट आई विल स्टार्ट विद दिस. लिखो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग. $26,200. सुनो, अभी देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो अभी है, दिस इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. राइट हैंड साइड पर जो है, दैट्स मार्जिनल कॉस्टिंग. वो लोगों ने क्या पूछा है कि ये बताओ कि प्रॉफिट फिगर्स के अंदर फर्क क्यों है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू बी डूइंग, कि ये वाला प्रॉफिट और आपका जो ये वाला प्रॉफिट है अलग अलग क्यों है. ठीक है, तो फिर देख लो अलग अलग क्यों है. पहले देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें सेम है. बॉस, 184,800 तो दोनों जगह पे आया, जाने दो. 67,200 और 75 तो दोनों जगह पे आया, जाने दो. सेल्स तो सेम अमाउंट दोनों जगह पे आया, वो भी जाने दो. अच्छा, फिर क्या बच गया? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. बेटा इधर तूने 44 और 6 लिखा, मतलब 50,000. इधर भी आपने 50,000 तो लिख ही दिया ना, तो अल्टीमेटली तो वो भी सेम है. लेकिन हाँ, ये 50 का क्या बदल गया? पोजीशन बदल गया. उसके वजह से क्या ऑल्टर हो गए? स्टॉक्स ऑल्टर हो गए. तो तुम्हारा जो भी अल्टीमेट फर्क है बेटा जी, वो किस चीज़ का फर्क है? स्टॉक का. एंड नीडलेस फॉर मी टू बी थिंकिंग ऑल्सो, स्टॉक्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल ऑलवेज बी हायर ओनली, क्योंकि उसके अंदर फिक्स ओवरहेड्स भी जाता है. ओके, तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. मेरे को जरा बोलो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है. तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तक पहुंचने का ट्राई कर रहा हूँ. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. तो लिखो एड डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक. और ये वाला डिफरेंस इनफैक्ट हम लोग एक बार कैलसी के ऊपर निकाल भी चुके हैं. आप लोग निकालो, देखो याद आ जाएगा. दोनों क्लोजिंग स्टॉक्स के बीच में वो फर्क निकाल लो. देखो वो पहले भी एक बार वो निकाला था. देखो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के क्लोजिंग स्टॉक का फर्क निकालो. अच्छा एक मिनट, ये वाला फिगर तुम लोग को याद है कि निकाला था एक बार? एक मिनट, अब मेरे को याद करके चलो वो बता देना. तुम लोग बोलते हैं दिस इज डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स ओके. वो बच्चा लोग वो वैसे ही तो वो बात करेगा, हम लोग वैसे बात नहीं करेगा. मेरे को बोलो इन रियलिटी ये 18182 क्या है? दिस इज दैट पार्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स विच अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेंट इन साइड द क्लोजिंग स्टॉक एंड देयर फोर डिड नॉट गेट रिटर्न ऑफ. और जो खर्चा इस साल राइट ऑफ नहीं होगा वो कभी राइट ऑफ होएगा नेक्स्ट ईयर. तो कहने से ओपनिंग स्टॉक के साथ एग्जैक्टली उल्टा हो गया रहेगा ना इस साल के अंदर. तो ओपनिंग स्टॉक वो जरा देख लो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कितना था? 20. और जो इधर था कितना था? 16. अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है ना. तो यहाँ पे अभी जरा लिखो लेस. Difference in opening stock. This will give you profit
as per absorption question. This has to be 40. Kitna tha wo? 382. Acha. Ek kaam zara karo. 18182 asterisk dalo. Idhar asterisk dalo. Aur likho. Likho. This actually represents. That part of fixed overheads of current year which under absorption costing did not get written off because it went inside the closing stock. Full stop. It is also ये 18182 को अगर alternately जब हम लोगों ने उसको first time compute किया था तो कैसे किया था 50,000 divided by याद करो 50,000 was the total fixed overheads incurred for कितना units 220 तो करो 50,000 divided by 220 into closing stock इन कितना units है 80,000 sorry 80,000 नहीं 80 is equal to 18182. अच्छा ओपनिंग स्टॉक के लिए डबल एस्ट्रिक डालो. अच्छा इसके लिए तुमको एक ही लाइन वो दे रहा हूं बस मेरे को बोलो 4000 रियलिटी के अंदर क्या अमाउंट है. ये जो है ये कौन सा वाला अमाउंट है वो बोलो मेरे को. इट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ लास्ट ईयर बट रिटन ऑफ इन द करंट ईयर. लिखो रिप्रेजेंट्स पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ लास्ट ईयर which are written off in the current year. So, I am finishing off the last two points as a and I will end this entire part. So, देखो, अभी cost sheet I have explained you through absorption costing. We did this. Through marginal costing, we did this particular part, ठीक है? अभी ये सोच लेते हैं, suppose तुम लोग accounts कर रहे हो, suppose I'm teaching you accounts, okay? Manufacturing, trading, NPNL account वगैरह, तुम्हारा 11th standard का, manufacturing, trading, NPNL account कुछ ऐसे चलेगा. सबसे पहले आ जाता था opening stock of WIP, उसके बाद आ जाता था direct material. उसके बाद डायरेक्ट लेबर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है यहां पे क्रेडिट साइड पे आ जाता था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी. इधर एक बैलेंसिंग फिगर आता था तुम लोग उसको प्राउडली फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वगैरह बोल देते थे. वो वाला जो फिगर है ट्रेडिंग अकाउंट को जाता था. तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट हो रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा बेटा फैक्ट्री कॉस्ट यही वाला फिगर जो है वो इधर आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा सेल्स. यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अभी ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन. ये जो है यहाँ पे जीपी आ जाएगा. जो जीपी है दैट विल स्टार्ट टू कम डाउन ओवर हियर. एंड लास्टली तुम्हारे पीएनएल अकाउंट के अंदर एक एडमिन आ जाएगा एक एसएनडी आ जाएगा.
बाकी कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंस हुआ वो इनकम टैक्स वो फालतू चीज़ें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है. अभी ऑल दो थिंग्स आई डोंट रिक्वायर, व्हाट आई रिक्वायर इज समबडी टू टेल मी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स बोले तो फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब आपका पेपर वन अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है. मेरे को बोलो तुमको ये फॉर्मेट देख के पता चलता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है? आई एम जस्ट आस्किंग. देखो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है, दिस इज फॉर्मेट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक जो भी किया है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है. तुम लोगों ने कभी मार्जिनल कॉस्टिंग वो थोड़ी की है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है. मेरे को बोलो कैसे मालूम? क्योंकि मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर लिखा हुआ है. अगर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर लिखा है मतलब वेरिएबल वाला पार्ट भी इधर ही है, वो जाने दो. लेकिन और क्या बोलो, फिक्स्ड वाला पार्ट इधर ही है. अगर फिक्स्ड वाला पार्ट इधर ही लिखा, पार्ट ऑफ दैट विल एंटर WIB स्टॉक, पार्ट ऑफ दैट विल एंटर फिनिश गुड स्टॉक्स. व्हेन एवर फिक्स्ड कॉस्ट विल एंटर योर स्टॉक, इट इज विच कॉस्टिंग यार? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है. अगर कोई मेरे को ऐसा बोलेगा सर फाइनेंशियल अकाउंट्स भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रिपेयर करो, तो मेरे को बोलो इस कॉस्टशीट के ना क्या चेंज आ जाएगा? वो तो बोल दो, चलो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर से निकल जाएगा, आगे बोल किधर चला जाएगा? इन PNL अकाउंट. तो यहां पे आ जाएगा टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो वाला अमाउंट ऑटोमेटिकली बिकम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. लेकिन क्या है, तुम लोगों ने जिंदगी में लेके आज तक 11th स्टैंडर्ड से अभी तक जितने भी साल तुम्हारे तो वो हो गए, तुम लोगों ने हमेशा यही वाला काम किया है. तुम लोगों ने कभी भी जिंदगी में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर तो नहीं डाला, ओके. तुम्हारा तो इनफैक्ट इन 11 12 शायद कभी ब्रेकअप वगैरह वो दिया भी नहीं रहता था, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स ही तो वो दिया रहता था, ओके. तुम लोग सारा का सारा फैक्ट्री ओवरहेड्स किधर डाल देता था? इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मतलब तुम लोग बाई डिफॉल्ट क्या करता था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग याद रखना, उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं. ये प्रॉफिट गलत है, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट वो बन जाता है, मोर प्रोडक्शन मोर प्रॉफिट, वो सब डिसएडवांटेजेस तो लिखा. तो जो तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक किया, फ्रेंकली वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही था जो गलत है. वो तो सर फिर करवाया क्यों? मैंने तो नहीं करवाया कभी, ओके. लेकिन किसी ने भी तुमको क्यों करवाया? क्योंकि इंडिया के अंदर ना एक टाइम पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता था. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलो, हाँ. लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था, वो तुम लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखा. जो तुम लोगों ने देखा वो रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था. जब भी ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था तभी तुम्हारे पास ऑप्शन था. वहां पे लिखा रहता था कंपनी कैन ईदर प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और इट कैन प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके. सो सम कंपनीज जिन लोगों को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अच्छा लगता था वो लोग फिक्स्ड ओवरहेड्स यहाँ पे डाल देते थे. जिन लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छा लगता था वो लोग फिक्स्ड ओवरहेड्स यहाँ पे डाल देते थे. बट फॉर शेयर होल्डर्स इट यूज टू बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम. देन हाउ डू यू कंपेयर टू कंपनीज विद टू डिफरेंट पॉलिसीज? कोई एक कंपनी ये फॉलो करता है, दूसरा कंपनी ये फॉलो, यू कैन नॉट कंपेयर देयर प्रॉफिट्स, नो देन, बिकॉज देयर पॉलिसीज आर डिफरेंट, ओके. तो 1 May 1999 से तकरीबन एक साल पहले ऑल द अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट टाइम इंडिया वॉज एट नंबर 3 पोजिशन, नाउ इट इज एट नंबर 2 पोजिशन. आई डोंट नो यू ऑल नो ऑर नॉट, बट आई से इज अ नंबर 2 अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड. फर्स्ट इज द CPA इंस्टीट्यूट ऑफ US. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो अकाउंटिंग बॉडीज थी दे हैड टू बी डिसाइडिंग कि द ग्लोबलाइजेशन वॉज कमिंग, वी कैन नॉट अफोर्ड सच थिंग्स, ओके. लेट एंटायर वर्ल्ड फॉलो वन सिंगल थिंग. दैट टाइम ऑल द अकाउंटिंग बॉडीज के जो हेड्स थे दे ऑल मेट, दे हैड टू डिसाइड अ सिंगल थिंग कि क्या कंटिन्यू करने का है. बेस्ड अपॉन द पोल्स दे ऑल हैड अ कंसेंसस दैट लेट्स ओनली कीप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ऑन 1 May 1999 सेम थिंग हैपेंड ऑन द सेम डे अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड. मार्जिनल कॉस्टिंग वॉज विड्रॉन बैक एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वॉज द ओनली थिंग दैट एवर रिमेन्ड, ओके. सो देयरफॉर फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स देयर वॉज नो ऑप्शन, एवरीबडी हैज टू फॉलो व्हाट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली. तुम्हारा पढ़ाई 1999 के बाद ही स्टार्ट हुआ था, सच्ची बोलो? कोई सीनियर सिटीजन है तो मेरे अलावा इधर नहीं, ठीक है. तो इन एनी पर्टिकुलर केस देयर वाज ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम द टाइम यू ऑल स्टार्टेड एंड दैट वाज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओके. सो वेदर यू लाइक यू हेट देयर आर डिसएडवांटेजेस, बट टुडे द ओनली थिंग दैट इज देयर इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. वी आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. कोई बोलता है सर फिर मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अलाउड? मैं बोलता हूँ नहीं सर, फिर सिखाता क्यों है? ओके, वो भी बराबर है कि सिखाता क्यों है. सिखाता है फॉर टू रीजंस. फर्स्ट, छोटा मोटा रीजन, चैप्टर नंबर 1, दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फिर एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली अप्लाइज टू फाइनेंशियल अकाउंट्स. इट डज नॉट अप्लाई टू कॉस्टिंग सब्जेक्ट. ICAI कंट्रोल्स फाइनेंशियल अकाउंट्स, इट डज नॉट कंट्रोल कॉस्टिंग. तो कॉस्ट शीट तो आज भी ICAI इंस्टीट्यूट क्या बोलता है आपकी मर्जी है. यू वॉन्ट टू फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यू राइट इट ओवर हियर.
You want to follow marginal costing, you write it in this case over here. So therefore, yaad rakhna, accounting standards only apply to financial accounts, not to costing. So costing ke na to abhi bhi aapke paas do option hai, whatever you want to be doing. Only for this reason, I've taught you chapter number one. No other reason, how to prepare cost sheets using absorption costing, using marginal costing. Okay, because financial accounts ke na to waise bhi aur marginal costing is no longer now allowed. But the reason why I teach you marginal costing is that marginal costing will help you to run your business in a proper way. And that is whatever your costing as a subject is all about. The moment you start to run your business, you don't require accounts. You require common sense to run the business. Business run karega, you have basically only one job. Effort tomorrow, saath mein decisions bhi lo. Decisions lene ke liye tumhare paas data hona chahiye aur data, correct data hona chahiye. Absorption costing bloody gives you wrong data. It converts fixed overheads into per unit cost, wo sab kuch nahi hota. So try to get the data using marginal costing. So what do? When we do chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, all those particular chapters are nothing but business situations for me, whereby company ke saath ye dikkat aa raha hai, you have to decide what is to be done, and that time impliedly what you have to follow is marginal costing. So over next around 220 hours, what you will be learning with me is that how to bloody hate accounts and how to try to run the business in a proper way. Those people who will be very good in accounts are really weak in this particular subject, because everything they try to relate to accountancy, which I'm not interested. Sales hoega, entry jo marji ho, paisa to andar aega. Bhangar bech ke bhi, entry jo marji ho, lekin paisa to andar aega. Okay, so I'm interested in the second thing. I'm not interested in the entries from now. Okay, so that is what we are trying to do this all subject all about. So it is not accounting, it is only running your business. That is whatever will help you. Okay, so point number 6, a technique for absorption costing mein likho, bookkeeping. A technique for bookkeeping, udhar likho. Technique for decision making. Seventh, can be used in, aage likho, costing and financial accounts. To make books of accounts, wo usi column ke andar, can be used in costing and financial accounts to make books of accounts. दूसरे कॉलम में थोड़ा छोटा छोटा लिखना, कैन बी यूज्ड इन ओनली कॉस्ट अकाउंट्स एज रिवाइज्ड AS2 डज नॉट परमिट use of marginal costing while making financial books. So no. दो पॉइंट वी आर ऑल डन नाउ. ओके, बस मेरे को दो पॉइंट पेज नंबर 1.3 पर जो ऊपर है मेरे को वो कंप्लीट वो करवाना है. सुनो, टेक्स्ट बुक में मत देखो क्योंकि वरना तुम लोग को आंसर पता चल जाएगा. देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेफ्ट हैंड साइड पे है तुम्हारे, मार्जिनल कॉस्टिंग राइट हैंड साइड पे है. दोनों से प्रॉफिट हमेशा अलग अलग ही आएगा. दिस इज वन बेस्ट एग्जाम्पल. प्रॉफिट अलग अलग ही आएगा, लेकिन सेम भी आ सकता है. सेम आ सकता है ओनली अंडर वन केस एवर इन दिस वर्ल्ड. मेरे को बोलो, व्हेन विल एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग गिव यू सेम प्रॉफिट? व्हेन देयर आर नो स्टॉक्स. इफ देयर इज नो स्टॉक, तू चाहे फिक्स्ड ओवरहेड्स इधर लिख, आगे बोलो, चाहे तू नीचे लिख, बेटा राइट ऑफ तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि स्टॉक के अंदर कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि स्टॉक ही नहीं है. ठीक है,
तो एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली गिव्स यू द सेम बुक प्रॉफिट इफ देर आर नो स्टॉक्स. ये अपने को मालूम है, इंस्टीट्यूट को नहीं मालूम शायद. तो उन लोगों ने एक क्वेश्चन के ना जिधर स्टॉक था उन लोगों ने उधर फिर भी लिख के रखा फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ऑल्दो इन सच क्वेश्चन इट डजेंट मैटर ओनली कि आप लोग एब्जॉर्प्शन करो या मार्जिनल करो. टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट नंबर 2 इन दैट बॉक्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग विल गिव द सेम बुक प्रॉफिट इफ देर आर नो डब्ल्यू आई पी इन फिनिश गुड स्टॉक. आगे एक रेफरेंस लिख के रखो, रेफर क्वेश्चन नंबर 93 ऑन पेज 2.65. एक बार उस क्वेश्चन पर आके इस नोट का बैक रेफरेंस वो दिया करो. ऑन पेज 2.65 एक बार 2.65 पे आके वहां पे वो लिख देना रेफर नोट 2 ऑन पेज 1.3. रेफर नोट 2 on page 1.3. अच्छा सुनो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो अपने को बोल दिया था, सॉरी हम लोगों ने अजम्पशन मार लिया था, फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड. अगर यू हैव अ चॉइस नो आई थिंक आई टोल्ड यू ट्राई टू फॉलो वन ऑफ दीज टू मेथड्स, इधर फॉलो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड और फॉलो सप्लीमेंट्री. यू कैन फॉलो एनी मेथड दैट यू ऑल वॉन्ट, जस्ट इफ यू वॉन्ट टू बी सेविंग से 30 seconds ऑफ योर टाइम इन एग्जाम्स, आई विल स्टिल रिकमेंड फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड, बट डू दैट इन अ इंटेलिजेंट वे. जरा सोचो ये क्वेश्चन के अंदर अपने को एंड तक तो पता चल गया सप्लीमेंट्री मेथड ही फॉलो कर रहे हैं, तो जरा सोचो सप्लीमेंट्री मेथड अगर फॉलो करते हो तो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट इधर लिख देते हो, लेकिन अंडर एब्जॉर्प्शन भी उसी के नीचे लिख देते हो, तो फिर दो बार मेहनत क्यों करने का. दिस फिगर प्लस दिस फिगर, आगे बोलो ना कुछ, विल बी एक्चुअल इक्वल टू एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ओनली. तो यहां पर फिर डायरेक्टली जो अमाउंट है कितने का आ जाएगा, 50,000. ओके, तुम्हारा एफर्ट वो बच जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 220, तो ये आ जाएगा 227.27. बस इन एग्जाम्स तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और टाइम बच जाएगा बिकॉज तुम लोग को वर्किंग नोट 2 प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जरा अपना वर्किंग नोट 2 देखना किस चीज के बारे में था. एब्जॉर्प्शन रेट, जरा सोचो अभी एब्जॉर्प्शन रेट तुम लोगों को क्यों चाहिए. एब्जॉर्प्शन रेट से एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है, तो इन एनी पर्टिकुलर केस एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आ जाता है. ठीक है, वर्किंग नोट 4 तुम्हारा, सॉरी वर्किंग नोट 3 तुम्हारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का था. जरा सोच मेरे को वर्किंग नोट 2 भी नहीं प्रिपेयर किया तो मेरे को एब्जॉर्प्शन रेट नहीं मिला, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट नहीं मिला. मेरे को वर्किंग नोट 3 भी नहीं प्रिपेयर करना तो मेरे को एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, सॉरी मेरे को अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी नहीं मिला. लेकिन ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, दोनों का टोटल विल ऑलवेज बी 50,000 हो यार. तो नेक्स्ट टाइम इफ यू एवर वॉन्ट टू फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड, इफ यू थिंक यू वॉन्ट टू फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड, तो देन मेक एडवांटेज ऑफ दैट, मेक सम यूज ऑफ दैट. डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिख के आ सकते हो, एक्चुअल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, एंड डायरेक्टली फिर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट का कैलकुलेशन भी बच गया, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बच गया, योर जॉब विल बी डन स्लाइटली फास्टर. बट दैट यू कैन डू अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड, या फिर अगर कुछ नहीं बोला एंड यू आर मेकिंग द अजम्पशन दैट आई विल फॉलो सप्लीमेंट्री. अगर सम के नहीं लिखा हुआ है फॉलो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये लिख के मत आना, नो नो, बट सप्लीमेंट्री मेथड सेव्स माय टाइम. ओके, सो दैट टाइम प्लीज यू डू व्हाटएवर द सम सेज. ओके, सो पॉइंट नंबर 1 पेज नंबर 1.3 लिखिए उधर, इन एग्जाम्स इट इज बेटर टू फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड because we can directly write actual fixed factory overheads and avoid calculation of absorption rate and
under/overabsorption. So, suno. Question number 11 and 12 are supposed to be done for homework. You are going to be leaving 5 sites for question number 11 and 12. Ensure that when your chapter is going on, you do the homework, it is better. I have put a summary towards the end. That is just how absorption costing works, nothing else. I am just trying to read that. Page 1.4. Summary. Under absorption costing, we follow the following steps to make books of accounts. Find absorption rate. Levy absorption rate when the production actually starts based upon actual level of activity. Based on above, we get absorbed amount at the end of the period. At the end of the period, we'll also get actual amount. Subtract absorbed amount and actual amount to get under or over absorption. And lastly, decide the treatment for under or over absorption and complete your books of accounts. Marginal costing ke liye steps ki koi zarurat nahi, kyunki wahan pe jo bhi actual amount hoga, that you will directly write off and finish it off. Okay, your this particular thing is all done. We'll be right back.